आप सुन रहे हैं एक लव स्टोरी मृतिका के साथ सिर्फ पॉकेट एफएम पर। वो अपने घर पर बैठी हुई थी कि तभी अचानक जैसे उसका पति आसमान से अगर टपका। अनन्या सिंह की आंखें बंद होने लगी, तभी एकदम से उसकी आंटी की कड़क आवाज उसके कानों में पड़ी, ठीक वैसे जैसे कोई बॉम्ब फटा हो। अनन्या, ये सच में तुम्हारा फियांसे है? तुम रोज कहती रहती थी ना कि तुमने पिछले जन्म में कुछ अच्छे काम किए हैं, इसलिए तुम्हें इस जन्म में वीर के साथ शादी करने का मौका मिला है। लगभग 15 दिन पहले अनन्या जब एक स्कूटी चला रही थी, तभी अचानक उसका एक बड़ी सी ब्लैक कार से एक्सीडेंट हो गया था। टक्कर लगने के कारण अनन्या रोड पर गिर गई और बेहोश हो गई। जैसे ही उसे होश आया, उसने देखा कि वो हॉस्पिटल में थी। उसकी चोटें ज्यादा सीरियस नहीं थी, पर फिर भी उसे पूरा महीना हॉस्पिटल में रुकने के लिए फोर्स किया गया। और जब उसे पूरी तरह से होश आया, तो उसकी आंटी ने उसके लिए जरा भी चिंता नहीं दिखाई, बल्कि उन्होंने एक आदमी को बुलाया जिसका नाम वीर अरोड़ा था। उसे अनन्या के सामने ले जाकर वो बोली, ये तुम्हारा फियांसे है। अनन्या को हंसी आ गई। वो पहले कभी किसी रिलेशनशिप में नहीं थी और उसका कोई बॉयफ्रेंड भी नहीं था, तो ये फियांसे कहां से आ गया? क्या इंप्रेसिव एक्टिंग थी! वीर ने आंटी के साथ हां में हां मिलाई और अनन्या की तरफ प्यार से देखते हुए कहा, अनन्या, क्या तुम जानती हो कि मैं कितना अपसेट और टूटा हुआ महसूस कर रहा था जब तुम बेहोश हो गई थी? मैंने रोज प्रे किया है कि तुम्हें होश आ जाए, और यहां तक कि अगर इसके लिए मुझे अपनी जान भी देनी पड़ती तो मैं खुशी खुशी दे देता। अब तुम्हें होश आ गया है, मैं बहुत खुश हूं। मैं सच में तुमसे अभी के अभी शादी करना चाहता हूं। अब वो अनन्या का हाथ पकड़ने की कोशिश कर रहा था, लेकिन अनन्या ने उसे घूरा, अपना हाथ खींच लिया और बेडशीट के अंदर छुपा लिया ताकि वो टच ना कर सके। वीर परेशान दिख रहा था और उसने दुखी होते हुए पूछा, अनन्या, क्या हुआ? क्या तुमने मुझे नहीं पहचाना? मैं तुम्हारा वीर हूं। उसे कोई मतलब नहीं था कि वो कौन था। वो उसे न केवल पहचान नहीं रही थी, बल्कि उसने ये नाम इससे पहले कभी नहीं सुना था। और तो और, वो अनन्या को शिकायतों से बहका रहा था, जिससे उसके रोंगटे खड़े हो गए। अगर उस आदमी ने उसकी आंटी के साथ मिलकर ये नाटक कंटिन्यू किया, तो अनन्या पुलिस को कॉल करने वाली थी। अंत में अनन्या ने शांत रहना और रिएक्ट ना करना ही बेहतर समझा। रूम में थोड़ी देर के लिए बिल्कुल शांति हो गई। फिर किसी ने दरवाजा खटखटाया। दरवाजा थोड़ा सा खुला और हल्की सी लाइट रूम में आ रही थी। अनन्या ने देखा कि एक लंबा और हैंडसम बंदा अंदर आया। लाइट की वजह से अनन्या के लिए उसका फेस और आंखें देख पाना मुश्किल हो रहा था, लेकिन उसकी मजबूत पर्सनालिटी काफी डरा देने वाली थी। उसके हाथों में फ्लावर्स का एक बुके था, रेड रोजेस वाला, जो अक्सर लव के लिए होते हैं। वो कमरे के बीच में शांति से खड़ा था और उसने अपनी डरा देने वाली नजरों से रूम में खड़े सभी लोगों को देखा। उसको देखकर बकवास करती हुई आंटी और वीर तुरंत चुप हो गए। अनन्या ने उस हैंडसम मैन की तरफ देखा। उसका ऑरा एकदम अलग था। वो बहुत क्लासी और सिंपल था, लेकिन साथ ही साथ मिस्टीरियस भी लग रहा था। वो खतरनाक सा महसूस हो रहा था। यह आदमी कौन था? क्या वो गलत रूम में आ गया था? अनन्या ने जेंटली पूछा, एक्सक्यूज मी, यू आर? अचानक उसके गले में दर्द होने लगा और उसने अपना गला दबाते हुए आगे पूछा। बिना कोई वार्निंग दिए वो दो आंखें उसकी आंखों को घूरने लगी थी, जैसे कि वो ठंडे पानी के दो गहरे पूल हों, और उसे ऐसा लगा जैसे वो उस ठंडे पानी में डूब रही थी। सिद्धार्थ गुप्ता, तुम्हारा हस्बैंड। उस आदमी की गहरी आवाज उसकी वाइब से जैसे मैच कर रही थी जो उससे आ रही थी, ठंडी, शांत, लेकिन अट्रैक्ट करने वाली। क्या हस्बैंड? किसका हस्बैंड? मेरा हस्बैंड। अनन्या ये सुनकर शॉक थी। वो थोड़ी देर क्या सोई, पता नहीं कहां से न केवल उसका फियांसे बल्कि उसका हस्बैंड भी आ गया। क्या इन सब लोगों को लगता है कि वो पागल थी? अगर उसे ये सब टॉलरेट करना होता तो वो इतना सब कुछ क्यों कहती? अनन्या की आंटी और वीर दोनों शॉक हो गए और उनके एक्सप्रेशन तुरंत बदल गए। वो दोनों एक दूसरे को देखने लगे। ऐसा कैसे हो सकता है? मैंने अनन्या को बड़ी होते हुए देखा है। अगर उसने शादी करी थी तो मुझे कैसे नहीं पता चला? तुम हमसे झूठ बोल रहे हो। आंटी की आवाज एक बार फिर गूंजने लगी। उनकी जान बूझकर की हुई तेज आवाज पूरे रूम को हिला रही थी। वीर ने भी सेटिस्फाई ना होते हुए सिद्धार्थ को घूरा और कहा, मिस्टर सिद्धार्थ, क्या आप गलत रूम में आ गए हैं? ये मेरी फियांसे है। सिद्धार्थ ने दोनों को इग्नोर किया जैसे कि वो हवा थे, और उसने अपनी नजर अनन्या पर ही फोकस की। अनन्या ने अपने सर पर हाथ लगाया और फिर अनकंफर्टेबल एक्सप्रेशन देते हुए बोली, आंटी, मैं थोड़ी देर रेस्ट करना चाहती हूँ, प्लीज आप लोग जाइए। लेकिन वो आंटी इतनी आसानी से जाने वाली कहा थी? वो चिंता दिखाते हुए बोली, अनन्या, इस आदमी की बकवास को मत सुनो। मैं तुम्हारी आंटी हूँ और मैंने इसे पहले कभी नहीं देखा। तुम मुझ पर भरोसा करो, वीर ही तुम्हारा फियांसे है। आपका विश्वास करूं? अनन्या ने उनकी आवाज तेज होने पर भी बिल्कुल स्माइल नहीं किया, बल्कि उसने फिर से बोला, आंटी प्लीज जाओ। आंटी इसमें कुछ नहीं कर पाई और उन्हें थोड़ा गुस्सा आया। अंदर ही अंदर वे गुस्सा हो रही थी और सोच रही थी कि अनन्या कितनी बदतमीज थी, लेकिन उन्होंने फिर भी अपनी टोन को नॉर्मल रखते हुए बोला, अनन्या मेरी बात सुनो, आज के जमाने में बहुत सारे झूठे लोग हैं। अनन्या ने कोई रिएक्शन नहीं दिया। जिस तरह अनन्या की आंटी बार बार उसको कन्विंस करने का ट्राई कर रही थी कि वीर उसका फियांसे था, उसने उनके मोटिव पर एक सवाल खड़ा कर दिया था। कुछ देर बाद हॉस्पिटल के रूम का दरवाजा खुला और दो लंबे चौड़े बॉडीगार्ड अंदर आए और आंटी और वीर को खींच कर बाहर ले गए। एकदम शांति छा गई। अनन्या ने यह पूरा सीन एकदम शॉक्ड होकर देखा। उसके बाद उसने अपनी नजर उस आदमी पर टिका ली जो उसका हस्बैंड होने का दावा कर रहा था। शुरू से लेकर एंड तक सिद्धार्थ ने एक बार भी उसकी आंटी और वीर की तरफ नहीं देखा था। वो जो रेड रोजेस लाया था, उसने उन्हें अनन्या के बेड के पीछे की ड्रॉअर पर रखे वास में सजा दिया। उसकी उंगलियां लंबी और सफेद थी, जैसे कोई ज्वेलरी का स्टोन हो, और जैसे उसने अपने हाथों में वो रेड रोजेस पकड़ रखे थे, वो बहुत अच्छे लग रहे थे। एक हवा के झोंके ने उन रोजेस की खुशबू को अनन्या के नाक के चारों तरफ फैला दिया। उनकी खुशबू बहुत ही प्यारी थी। अचानक ही आसपास का माहौल हल्का महसूस होने लगा था। उसने रोजेस को वास में सजाने के बाद अपनी नजर अनन्या की बॉडी पर टिका ली। पहले की तरह ही उसकी नजर में वो वार्मथ नहीं थी। उसका एक बार देखना ही किसी पर्सन को ऊपर से नीचे तक फ्रीज करने के लिए काफी था। ये कोई तरीका नहीं होता कि कोई हस्बैंड अपनी वाइफ को इस तरह से देखे। अनन्या ने अपनी बड़ी बड़ी पलकों को झपकाया और फिर उसने उस आदमी की आंखों में शांति से देखा और पूछा, तुम सच में हो कौन? सिद्धार्थ गुप्ता, तुम्हारा हस्बैंड।
वो वही 4 वर्ड्स थे जो उसने पहले कहे थे, लेकिन इस टाइम अनन्या ने उसकी आंखों में देखा तो उसे उसके रिस्पॉन्स का कोई गहरा मीनिंग लगा। वो उसके बेड के पीछे खड़ा था और उसकी लंबी बॉडी से अनन्या पर एक परछाई पड़ रही थी। वो सच में बहुत लंबा था। वो ऐसे खड़ा था जैसे कि भगवान खड़े हों और नीचे दुनिया को देख रहे हों। अनन्या ने ऊपर देखा और उसकी नजर उस आदमी के गले के उभरे हुए हिस्से पर गई और ये परफेक्ट आर्क बहुत ही सुंदर और अट्रैक्टिव लग रहा था, जैसे किसी आदमी की बॉडी पर कोई ब्यूटीफुल लैंडस्केप हो। उसे बहुत अलग सी फीलिंग हो रही थी, लेकिन वो नहीं जानती थी वो शांत और खतरनाक पर अट्रैक्टिव मैन कौन था। लेकिन अगर एक बार उसे अच्छे से देख लेती तो शायद उसे कुछ याद आ जाता। जैसे कि वो उसे नहीं जानती थी, फिर क्यों वो आदमी उसे अपना हस्बैंड बता रहा था? आप कहते हैं कि आप मेरे पति हैं, लेकिन हम कैसे मिले और हमारी शादी कब हुई? मैं आपको बिल्कुल नहीं पहचानती। जब अनन्या उस आदमी से पूछताछ कर रही थी तो उस आदमी ने उसके आगे एक मैरिज सर्टिफिकेट प्रेजेंट किया। उसने तुरंत अपने बाकी वर्ड्स को वापस ले लिया और सिद्धार्थ की ओर कंफ्यूजन से देखने लगी। ये मैरिज सर्टिफिकेट, क्या ये उन दोनों का था? ये कैसे पॉसिबल था? वो श्योर थी कि वो इस अजीब आदमी के साथ कभी भी मैरिज रजिस्ट्रार के ऑफिस नहीं गई। मैरिज सर्टिफिकेट मिलने के बाद अनन्या सदमे में थी। उसने उसे खोलकर देखा। मैरिज सर्टिफिकेट से जुड़ी फोटोज रियल में उसकी और सिद्धार्थ की थी। ये कैसे पॉसिबल हो सकता था? अनन्या एकदम शॉक में चली गई थी और वो एक शब्द भी नहीं कह पा रही थी। उसके लिए इस बात पर यकीन करना बहुत मुश्किल था। उसने सिद्धार्थ के साथ ये फोटो कब ली थी? उसे ये सब याद क्यों नहीं है? क्या वो रियल में अपनी मेमोरी खो चुकी थी? मैरिज सर्टिफिकेट में उसके नाम के पास सिद्धार्थ गुप्ता लिखा था। जब वो मैरिज सर्टिफिकेट को स्कैन करने और रजिस्ट्रेशन की डेट को देखने ही वाली थी, ठीक उसी टाइम सिद्धार्थ ने सर्टिफिकेट वापस ले लिया। अनन्या सिद्धार्थ को घूरने लगी और उसने हाथ बढ़ाते हुए कहा, मैंने इसे अभी तक पूरा नहीं देखा है। सिद्धार्थ ने मैरिज सर्टिफिकेट को पकड़ा और उसे शांति से देखा। इस कहानी में आगे क्या होगा जानने के लिए सुनते रहिए पॉकेट एफएम। सुन रहे हैं एक लव स्टोरी मृद्विका के साथ, सिर्फ पॉकेट एफएम पर। उसकी गहरी काली आंखें तब भी बहुत ज्यादा गहराई वाले ठंडे पूल की तरह थी। उसकी नजरों ने अनन्या को थोड़ा अनकंफर्टेबल फील कराया, इसलिए उसने आवाज तेज की और कहा, इसे मुझे दे दो। सिद्धार्थ ने अपनी नजर उठाई और थोड़े से मजाक के अंदाज में कहा, नहीं। अनन्या को थोड़ा सरप्राइज हुआ और वो सिद्धार्थ के हाथों में मैरिज सर्टिफिकेट को देखते हुए बोली, क्या आपको लगता है कि मेरा दिमाग खराब है या आप सोचते हैं कि मैं पैरालाइज्ड हूं? देखो, मैं पूरी तरह स्वस्थ हूं। मुझे लगता है कि आपने पक्का ही मैरिज सर्टिफिकेट सड़क के किनारे किसी गुंडे से कुछ पैसे देकर खरीदा है। अनन्या ने नफरत भरी नजरों से बिना किसी चेतावनी के सिद्धार्थ के हाथों से मैरिज सर्टिफिकेट छीनने की कोशिश की। सिद्धार्थ को इस बात का पहले से ही अंदाजा लग गया था, इसलिए उसने शांति से अपना हाथ हटा लिया। अनन्या उस मैरिज सर्टिफिकेट को छीनने में असफल रही, इसलिए उसने दोबारा कोशिश की, लेकिन सिद्धार्थ ने अपना हाथ और ऊपर कर लिया। ऐसा बहुत बार हुआ पर फिर भी अनन्या उसे पाने में सफल नहीं हुई। वो पक्का एक नकली सर्टिफिकेट था जो कि सिद्धार्थ ने अनन्या को धोखा देने के लिए बनाया था। अनन्या को बहुत गुस्सा आया और उसने दोबारा से सर्टिफिकेट छीनने की कोशिश की, लेकिन इस बार सिद्धार्थ ने उसका हाथ पकड़ लिया और अपना सिर नीचे कर दिया और वो दोनों काफी क्लोज आ गए। उनकी आंखें मिली। वो सिचुएशन थोड़ी सी अटपटी हो गई थी। अनन्या डर कर उछल पड़ी क्योंकि उसने वापस नीचे बैठने की कोशिश की, लेकिन उस आदमी ने अचानक अपने दूसरे हाथ से उसकी कमर को पकड़ लिया था। वो फिर उसके क्लोज आ गया। उसकी वार्म ब्रेथ ने अनन्या के फेस को टच किया और उसकी बॉडी में हलचल होने लगी। उस टाइम माहौल थोड़ा सा अजीब हो गया था। ऐसा लग रहा था कि वो दोनों जिस हवा में सांस ले रहे थे वो भी अलग थी। अनन्या ने महसूस किया कि वो आदमी उसके साथ जबरदस्ती कर रहा था, इसलिए उसे अब अच्छा नहीं लग रहा था। उसका गोरा चेहरा अब लाल रंग का हो चुका था। उसने अपना गुस्सा और बेचैनी दबाने के लिए अपनी मुट्ठी बंद कर ली। इससे पहले कि वो अपना सिर उठाती, उसने सिद्धार्थ की ओर डरे हुए एक्सप्रेशन से देखकर कहा, आप क्या कर रहे हैं? ये कोई फिल्म स्टूडियो नहीं है। डेली सोप सीरियल्स की तरह एक्ट करना बंद करो, और अगर आप मुझे इस तरह उकसाते रहोगे तो आप मुझसे थोड़ा सावधान रहना। मैं आपको थप्पड़ मारूंगी। भले ही वो गुस्से में बोल रही थी, लेकिन उसकी आवाज थोड़ी कमजोर थी और लड़खड़ा रही थी। सिद्धार्थ ने उसके लाल गालों को देखा। ऑब्वियसली वो घबरा गई थी, फिर भी वो गुस्सैल दिखने की कोशिश कर रही थी। सिद्धार्थ का उस तरह का डराने वाला झूठा रूप देखकर अनन्या की जैसे हंसी छूट गई। वो कोई मासूम सा लेकिन गुस्सैल टाइप का मासूम बच्चा लग रहा था। सिद्धार्थ ने होंठ थोड़ा ऊपर की ओर उठाए हुए थे क्योंकि उसने अपनी एक गहरी नजर से उसके चेहरे को पढ़ लिया था। अंत में उसकी नजर अनन्या के लिप्स पर पड़ी। अनन्या ने महसूस किया कि उसका हार्ट जोर से धड़कने लगा। क्या वो उसे किस करने की प्लानिंग कर रहा था? सिद्धार्थ ने अनन्या का फायदा उठाने का सपना नहीं देखा था। अदरवाइज जैसे ही उसके लिप्स टकराने वाले थे, उसी वक्त सिद्धार्थ ने अपना सिर झुकाया और अनन्या को कान में कहा, तुम क्या सोच रही थी? क्या तुमको लगता है कि मैं तुम्हें किस करने की कोशिश कर रहा था? अनन्या का चेहरा लाल से काला और काले से लाल हो गया। ये काफी देखने लायक था। इसके बाद उसने सिद्धार्थ को घूर कर देखा। पता नहीं वो संकी कहां से आ गया था। सिद्धार्थ ने अनन्या पर अपनी पकड़ ढीली कर दी। वो फिर सीधे खड़ा हो गया। उसने अपने कुछ कदम पीछे किए और कहा, अच्छा ठीक है, अब मैं तब आऊंगा जब तुम्हें हॉस्पिटल से डिस्चार्ज मिल जाएगा। सिद्धार्थ अच्छे मूड में लग रहा था। उसने चारों ओर देखा और वहां से चला गया। जैसे ही अनन्या ने देखा कि वो आदमी पिछले दरवाजे से जा चुका था, उसे बहुत तेज गुस्सा आ रहा था। 15 दिन पहले अनन्या ने अपने टीचर के साथ वेस्टर्न मेडिसिन पर एक सेमिनार में भाग लिया था। जब वहां से वो अपने डॉक्यूमेंट्स लेकर आ रही थी, तब रास्ते में उसका कार एक्सीडेंट हो गया और वो कोमा में चली गई। लेकिन अब हॉस्पिटल में जब उसे होश आ गया था, तो उसके सबसे करीबी व्यक्ति उसके टीचर कहां थे? वो उसे देखने क्यों नहीं आए थे? उसकी आंटी ने दावा किया कि उसने अपनी याददाश्त खो दी थी, लेकिन वो अपने फियांसे वीर अरोड़ा के अलावा कुछ भी क्यों नहीं भूली? अनन्या को उसके दादाजी ने 7 साल की उम्र में गोद लिया था। दादाजी के 2 बेटे थे, उनमें से आर्यन सिंह जो कि उसके टीचर थे वो उनके छोटे बेटे थे, और बड़े बेटे का नाम मनन सिंह था। उसकी आंटी बड़े बेटे के परिवार से थी। अनन्या कई सालों से सिंह परिवार में रह रही थी, इसलिए वो अपने बड़े अंकल के परिवार के नेचर को समझती थी। इसके अलावा उसकी मेमोरी क्लियर थी और उसे नहीं खोया था, इसलिए वो श्योर थी कि उसकी आंटी एक नाटक कर रही थी। लेकिन सिद्धार्थ नाम का एक आदमी अचानक उसके पति होने का दावा करते हुए दिखाई दे रहा था।
क्या इन लोगों का कोई गलत मोटिव था या सच में उसके दिमाग में कोई गड़बड़ थी? फॉर एग्जाम्पल, क्या कार एक्सीडेंट के कारण उसकी सेलेक्टिव मेमोरी ही लूज हुई जिससे वो अपनी लव लाइफ से जुड़ी हर चीज भूल गई? नहीं, ये पॉसिबल नहीं था। भला ऐसा भी कभी होता है क्या? उसने ये मानने से इनकार कर दिया कि सिद्धार्थ उसका पति था, न ही उसे अपने अंकल के परिवार और उसके सो कॉल्ड फियांसे पर भरोसा था। अनन्या की क्लासमेट और उसकी सबसे अच्छी दोस्त कीर्ति उस हॉस्पिटल में इंटर्नशिप कर रही थी जब वो वहां रह रही थी, इसलिए अनन्या ने जानने के बाद अपनी दोस्त से उसके हॉस्पिटल के एंट्री फॉर विजिटर्स के बारे में जानकारी मांगी। लास्ट में कीर्ति को अनन्या से मिलने के लिए जैसे ही टाइम मिला उसने उसे वो सब बता दिया जो उसको पता था। अनन्या, तुमको 15 दिन पहले हॉस्पिटल लाया गया था। कार एक्सीडेंट के दौरान तुम्हारे शरीर पर कई घाव मिले और सिर पर काफी चोट लगी थी और फिर तुम कोमा में चली गई। इस पूरे टाइम तुम्हारे बड़े अंकल के परिवार ने तुम्हारा पूरा ध्यान रखा, जबकि तुम्हारा वो हैंडसम हीरो कहीं नहीं था। उसके दादाजी आयुर्वेदा के पुराने डॉक्टर थे। उन्होंने न केवल अनन्या को गोद लिया बल्कि उन्होंने अपने सभी आयुर्वेदा स्किल्स और नॉलेज भी उसे दी। फिर भी उन्होंने खुद को उसके टीचर के रूप में प्रेजेंट नहीं होने दिया। इसके बजाय उन्होंने अपने छोटे बेटे को बुलाया जो उनसे ही सीख रहा था और उन्हें अनन्या का टीचर बनने की पूरी परमिशन दी, जैसे कि वो उसकी रियल ग्रैंड डॉटर हो। आर्यन सिंह हैंडसम थे और अनन्या से केवल 7 साल बड़े थे, इसलिए अनन्या अक्सर उन्हें प्यार से मास्टर हैंडसम कहती थी। अनन्या अपने हाथों से 1 by 1 हॉस्पिटल रजिस्टर के हर पेज की इन्फॉर्मेशन को पढ़ रही थी। इसके अकॉर्डिंग यहाँ जो कुछ रिकॉर्ड किया गया है, उस दिन से मैं हर्ट थी जब मैं मास्टर हैंडसम के साथ एक सेमिनार अटेंड करने गई थी, इसलिए मेरी मेमोरी भले ही बरकरार है लेकिन मैं कुछ भी नहीं भूली हूँ। तो फिर आंटी इतना जोर क्यों दे रही है कि मेरा एक फियांसे है और यहाँ तक कि वो अजनबी आदमी ने मेरे पति होने का दावा किया? कीर्ति ने अपनी दोस्त को आश्चर्य से देखा। हाँ, तुम्हारी शादी कब हुई? मुझे इसकी जानकारी क्यों नहीं है? अनन्या ने जवाब दिया। मैं भी जानना चाहती हूँ कि मेरी शादी कब हुई थी। हम तुम एक दूसरे को लंबे समय से जानते हैं। जैसा कि तुम जानती हो, मेरा कोई बॉयफ्रेंड भी नहीं था। उसने फिर अपने लेटेस्ट सीटी स्कैन के रिजल्ट्स की ओर इशारा किया। मुझे अपने ब्रेन में कोई ब्लड क्लॉट्स नहीं दिख रहे हैं, इसलिए मेरी मेमोरी के साथ कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। कीर्ति ने अपने हाथों को लहराया और अपनी दोस्त की पॉजिटिविटी को बर्बाद कर दिया। हाँ, तुम कभी श्योर नहीं हो सकती हो। जैसा कि तुम जानती हो, ह्यूमन ब्रेन हमारे शरीर का सबसे मिस्टीरियस ऑर्गन है। ये बहुत डिफिकल्ट है और इसमें कई अजीब और अनोखी प्रॉब्लम्स हैं जो अभी तक साइंस भी सॉल्व नहीं कर पाया है। अनन्या को अचानक महसूस हुआ कि वो हवा में झूल रही थी। एक पल को चुप्पी के बाद उसने धीरे से कहा, तो फिर क्या मैं सच में अपनी मेमोरी खो चुकी हूँ? कीर्ति ने अपनी हथेलियों को फैलाते हुए एक डल स्माइल के साथ ये इशारा करते हुए कहा कि तुम्हारे मेडिकल स्किल्स मेरी तुलना में बेहतर हैं। अगर तुम नहीं जानती तो मुझे कैसे पता चल सकता है? अचानक कीर्ति की आंखें भर आईं। शायद तुमको अपने टीचर से पूछना चाहिए, लेकिन तुम्हारा टीचर काफी अजीब है। वो आमतौर पर तुम्हारे साथ बहुत अच्छा बर्ताव करते हैं, लेकिन फिर भी वो इस पूरे टाइम में तुमसे मिलने हॉस्पिटल नहीं आए। अनन्या की आंखें धीरे धीरे बंद होने लगी थी। वो भी काफी हैरान थी कि उसके टीचर से मिलने क्यों नहीं आए। वो कहां चले गए थे? दादाजी की डेथ के बाद उन दोनों ने एक दूसरे पर भरोसा किया था। अगर उसे कुछ हो जाता तो उसके टीचर जरूर उसे मिलने आते। क्या ये पॉसिबल था कि वो अपने बड़े भाई के परिवार के कारण गायब थे? अनन्या ने महसूस किया कि उसे वो पता लगाने के लिए जल्द से जल्द हॉस्पिटल से निकलना पड़ेगा कि उसके टीचर कहां गए और 15 दिनों तक कोमा में रहने के दौरान क्या क्या हुआ। वो सिद्धार्थ का इंतजार नहीं करना चाहती थी कि वो उसे लेने आए, ना ही वो चाहती थी कि उसकी आंटी और वीर उसका ब्रेन वॉश करने के लिए वापस आए। इसलिए ऐसा होने से पहले उसने कीर्ति को अपने डिस्चार्ज पेपर्स को तैयार करने के लिए कहा और समय से पहले ही हॉस्पिटल से चली गई। लगभग शाम हो गई थी लेकिन लोग हॉस्पिटल से आते और जाते रहे और वहां अभी भी भीड़ और शोर था। इस कहानी में आगे क्या होगा जानने के लिए सुनते रहिए पॉकेट एफएम। सुन रहे हैं एक लव स्टोरी मृदिका के साथ सिर्फ पॉकेट एफएम पर। उसके उस तरह के एटीट्यूड को देखकर अनन्या के लिए ये बिलीव करना इम्पॉसिबल बन गया था कि वो वही आदमी था जिसने उसके हस्बैंड होने का दावा किया था और उसे हॉस्पिटल के रूम में परेशान किया था। और अभी तो इस बात को ज्यादा टाइम भी नहीं हुआ था। उसने अपनी आवाज को धीरे की जिससे सिर्फ वो और सिद्धार्थ सुन सके और कहा, प्लीज मेरी हेल्प करो। सिद्धार्थ ने धीरे से अपने हाथों को हटा लिया। तुम्हारी मदद करूं? तुम कौन हो? अनन्या शॉक थी। क्या वो अनन्या से कुछ और एक्सपेक्ट कर रहा था? इस समय क्या ये जरूरी था? उसको इतनी नफरत क्यों थी? क्यों वो उसकी लाइफ बर्बाद करना चाह रहा था? अनन्या उसे गुस्से से दूर झटकना चाहती थी लेकिन उसने अपनी मुस्कुराहट बनाए रखी और जवाब दिया, मैं तुम्हारी वाइफ हूँ बेशक हबी। सिद्धार्थ ने अपने दोनों हाथ अनन्या की कमर पर रखते हुए कहा, मिस मैंने आपको अपने रूम में आराम करने के लिए कहा था और आप इधर उधर क्यों भटक रही हो? अनन्या कुछ बोल नहीं पाई। सिद्धार्थ कहते हुए धीरे धीरे उसे अपनी ओर खींच रहा था। अनन्या सिद्धार्थ की बाहों में बेहद अनकंफर्टेबल फील कर रही थी। उसने खुद को उसके हाथों से छुड़ाने की कोशिश की लेकिन सिद्धार्थ ने उसे दूर नहीं जाने दिया। लेकिन सिद्धार्थ का हाथ अनन्या की कमर पर काफी मजबूती से टिका हुआ था। वो बदमाश ऑब्वियसली इस मौके का फायदा उसके साथ फिजिकल होने और उसका फायदा उठाने के लिए कर रहा था। अनन्या की आंटी इतनी गुस्से में थी कि उनका चेहरा पीला पड़ गया। उन्होंने गुस्से में अपने दांत पीसे। वो अनन्या के पास पहुंच गई और उससे पूछा, अनन्या क्या तुम पागल हो? तुम क्या कह रही हो? वो तुम्हारा हस्बैंड कैसे हो सकता है? वो झूठा है जो तुम्हारा फायदा उठा रहा है क्योंकि तुम्हारी मेमोरी खो गई है। उस पर भरोसा मत करो। अगर तुम्हें कुछ हो जाता है तो मैं भगवान को कैसे मुंह दिखाऊंगी? आंटी ने रियलाइज किया कि उन्हें दोपहर में वीर के साथ नहीं जाना चाहिए था। कोई फर्क नहीं पड़ता कि वे दो बॉडीगार्ड्स कितने हॉरिबल थे। अनन्या और सिद्धार्थ को रूम में अकेले नहीं छोड़ना चाहिए था। शायद ये उनकी गलती थी। अगर वो छोड़कर नहीं जाती तो अनन्या शायद वीर को उसी पल अपना पति मान लेती। अनन्या को अपने एक्ट को एंड तक जारी रखना पड़ा, इसलिए उसने तुरंत सिद्धार्थ की तरफ अविश्वास से देखा। उसके इनोसेंट एक्सप्रेशंस उसे पूछ रहे थे कि क्या उसकी आंटी सच कह रही थी। आंटी ने सोचा कि उनके वर्ड्स अनन्या पर काम कर रहे थे, इसलिए उन्होंने तुरंत सिद्धार्थ से पूछा, आप कौन हैं? आप हमारी अनन्या से क्यों झूठ बोल रहे हैं और उसे बता रहे हैं कि आप उसके हस्बैंड हैं? आपका मोटिव क्या है? मैं आपको वार्निंग दे रही हूं, अगर आप मुझे कोई एक्सप्लेनेशन नहीं देते हैं तो हम पुलिस को बुलाएंगे और आपको जेल भेजेंगे। आंटी की धमकी सुनकर सिद्धार्थ ने उनकी तरफ गुस्से से देखा। सिद्धार्थ की ठंडी और गहरी आंखें अचानक गुस्से से लाल हो गई।
आंटी ने डर कर अपने कुछ कदम पीछे कर लिए। वो समझ नहीं पा रही थी कि आखिर इस सिचुएशन को कैसे हैंडल करें। सिद्धार्थ ने अनन्या को बिना किसी फीलिंग्स के और बिना कोई एक्सप्रेशन दिए पकड़ रखा था। उसका ये अजीब सा एटीट्यूड उसे बेहद डरावना और केयरलेस दोनों बना रहा था। अगर आप दोनों ने मेरी वाइफ को परेशान करना बंद नहीं किया तो मैं मेरे लॉयर को कॉन्टेक्ट करूंगा और आप लोगों को एक लीगल नोटिस भिजवा दूंगा। सिद्धार्थ ने शांति से कहा। उसकी आवाज में कोई गुस्सा नहीं था, वो एकदम शांत था जैसे किसी सर्दी का दिन। एक लीगल नोटिस? आंटी ने यह सुनते ही गुस्से में अपनी आंखें बड़ी कर ली। वो परेशान हो गई थी क्योंकि उन्हें कुछ और जवाब नहीं समझ आ रहा था। सच था कि वो आदमी बहुत स्ट्रॉन्ग और डोमिनेटिंग था, लेकिन इसके साथ ही वो चालाक भी जान पड़ता था। आंटी, ये सच में मेरा हस्बैंड है और मैं उसके सिवा किसी और के साथ कैसे हो सकती हूँ? मैं आपके अगेंस्ट कंप्लेन कर दूंगी कि आप लोग मुझे किसी के साथ फंसा रहे हैं। आप जानती है ना कि आप जबरदस्ती मेरी शादी किसी और से नहीं करवा सकती। अगर आपको मेरी बातों का विश्वास नहीं हो रहा तो हम आपको हमारा मैरिज सर्टिफिकेट दिखा सकते हैं। अनन्या ने सिद्धार्थ को देखकर हंसते हुए कहा, तुम क्या कहते हो? एक्चुअली अनन्या मैरिज सर्टिफिकेट को दोबारा देखना चाहती थी और उसकी सच्चाई को कंफर्म करना चाहती थी, लेकिन सिद्धार्थ ने कोई रिएक्शन नहीं दिया। वहां पर सब कुछ एक फिल्म की तरह चल रहा था और उनके आसपास खड़े हुए हर इंसान ने उनकी तरफ कंफ्यूज होकर देखा। ये हो क्या रहा है? अगर ये लड़की पहले से ही मैरिड थी तो पहले ये आदमी उसे प्रपोज क्यों कर रहा था? तुम क्या कर रहे हो? वो पहले से ही मैरिड है, तुम उसे क्यों परेशान कर रहे हो? भीड़ में से किसी ने कहा, तुम किसी और की लाइफ कैसे खराब कर सकते हो? तुम क्या गेम खेल रहे हो? तुम लोगों ने इंडिया का कल्चर ही खराब कर रखा है। किसी शादीशुदा लड़की को तुम इस तरह से परेशान नहीं कर सकते। ये कोई सरप्राइज था और उन सभी ने वीर और आंटी को भला बुरा कहना शुरू कर दिया। वो सब वीर और आंटी को सुनना अच्छा नहीं लग रहा था। वीर और अनन्या की आंटी को समझ में नहीं आ रहा था कि वो लोग आखिर इस भीड़ में कैसे रिएक्ट करें। सिद्धार्थ के एक्सप्रेशन ऐसे लग रहे थे जैसे उसे अब वहां रुकना सही नहीं लग रहा था और ऐसा लगा कि जैसे वो उन लोगों को अपना टाइम नहीं देना चाहता था। इसलिए उसने अपना हाथ अनन्या की कमर में डाला और वे दोनों जाने के लिए मुड़े। सब कुछ शांत था, कोई भी उस कपल की तरफ देखता तो उन्हें यही लगता कि वो दोनों वाकई में लवर थे। और वे दोनों जैसे चल रहे थे, अनन्या ने एकदम अच्छी वाइफ होने की एक्टिंग की। जल्दी ही वे दोनों सबकी नजरों से दूर चले गए। अनन्या उस मुसीबत से निकलकर काफी खुश थी और सिद्धार्थ से इंप्रेस भी थी। अनन्या ने भीड़ से दूर आते ही सिद्धार्थ की तरफ एक बार देखा और मुस्कुराते हुए बोली, हेलो मिस्टर, शो खत्म हो गया है, अब तुम मुझे जाने दो। लेकिन सिद्धार्थ ने अपना हाथ उसकी कमर में से नहीं हटाया और बिना उसकी तरफ देखे हुए कहा, तुम्हें किसने कहा कि वो एक शो था और मैं कोई एक्टिंग कर रहा था? अनन्या ने अपनी आंखें घुमाई। एक ही पल बाद अनन्या ने दर्द में चिल्लाते हुए बोला, चाहे वो एक शो था या तुम एक्टिंग कर रहे थे या नहीं, पर क्या तुम पहले मुझे जाने दोगे? अगर तुम ऐसे ही पकड़े रहे तो मेरी कमर जरूर टूट जाएगी। कोई लड़की को इतनी टाइट पकड़ता है क्या? सिद्धार्थ ने उसे देखा और अपनी पकड़ को लूज किया। देखो, तुमने मुझे उस मुसीबत से निकाला है, एक काम करते हैं, पास ही में वहां एक कैफे है, चलो वहां चलते हैं और थोड़ी देर बैठते हैं। हम ये डिस्कस कर सकते हैं हम कैसे मिले थे। मैंने डॉक्टर से बात कर ली है, मैं मेमोरी खो चुकी हूं और मुझे कुछ भी याद नहीं है, अनन्या ने जवाब दिया। सिद्धार्थ ने उसकी आंखों में गहराई से देखा। उसकी चुपती हुई नजरें अनन्या को थोड़ा डरा रही थी। अनन्या थोड़ा सा नर्वस हो गई थी। उसे लगा जैसे पिंजरे में किसी शिकार को दिख रहा हो। अनन्या को ऐसा लगा जैसे वो उस टाइम का बहुत सालों से इंतजार कर रही थी। उसने सोचा कि सिद्धार्थ रिस्पॉन्स नहीं करेगा, लेकिन उसने धीरे से हाँ सुना। उसके बाद वो उसे पार्किंग लॉट ले गया, लेकिन जैसे ही उसने सिद्धार्थ की कार को देखा, अनन्या थोड़ा सरप्राइज हो गई। दिन में उसके कूल ऐप से वो उसे जज कर रही थी। उसकी बॉडीगार्ड्स को देखकर उसे लगा कि सिद्धार्थ किसी कंपनी का खड़ूस सीईओ था, इसलिए अनन्या ने एक्सपेक्ट किया था कि उसके पास पक्का ही कोई अच्छी कार होगी जैसे मर्सिडीज, ऑडी या बीएमडब्ल्यू, लेकिन वो एक पुरानी जीप चलाता था। किस तरह का आदमी था ये? क्या वो रूड, एरोगेंट और खड़ूस सीईओ जैसा अक्सर फिल्मों और कहानियों में होता है वैसा था, या फिर वो कोई गवार था जो ट्रैक्टर चलाता था? स्टार्टिंग से ही अनन्या सिद्धार्थ के साथ नहीं रुकना चाहती थी। वो कंटिन्यूअसली वहां से भाग जाने का चांस ढूंढ रही थी, इसलिए उसने कार में सिद्धार्थ के पहले बैठने का वेट किया। उसके बाद बिना कोई वार्निंग दिए उसने कार का दरवाजा खोला और उसकी तरफ ऐसी स्माइल की जैसे एक बिल्ली का बच्चा कुछ चुराते समय करता है। वो बोली, नेचर इज कॉलिंग, मेरे पेट में अचानक बहुत तेज दर्द हो रहा है, मुझे वॉशरूम जाना है। ऐसा कहने के बाद बिना ये चेक किए कि सिद्धार्थ ने हाँ कहा या नहीं, अनन्या पीछे मुड़ी और भागी। वो सब इतनी जल्दी हुआ कि सिद्धार्थ एकदम शॉक रह गया। उसने धीरे से नजर हटाई और इससे पहले कि वो कुछ कह पाता उसने देखा अनन्या भाग गई थी। वो बहुत ही चालू लड़की लगती थी। अनन्या मेडिकल बिल्डिंग की तरफ भागी और उसके पीछे के दरवाजे से निकल गई। उसका प्लान वहां से कैब लेकर दूसरी जगह जाने का था। वो आदमी जो अपने आप को सिद्धार्थ बता रहा था, वो पक्का ही उस सिचुएशन का एडवांटेज लेकर उसे अपने साथ घर ले जाना चाह रहा था। उसकी आंटी भी अच्छी इंसान नहीं थी और सिद्धार्थ भी उतना ही खराब था। उसने गलत अंदाजा लगाया था अपने बड़े अंकल की फैमिली के बारे में। उसे नहीं पता था कि वो इतना कुछ कर सकते थे, लेकिन वो इस अचानक आए हस्बैंड का बैकग्राउंड नहीं जानती थी, इसलिए उसे कोई आइडिया नहीं था कि वो क्या चाहता था। वो तो अच्छा हुआ उसके दिमाग में बहुत सारी ट्रिक्स थी और उसने वहां से भागना बेस्ट ऑप्शन समझा। अनन्या ने एक कैब की और घर वापस चली गई। उसका घर भी बिल्कुल वैसा ही था जैसा कि 15 दिन पहले वो छोड़कर गई थी। कुछ भी नहीं बदला था। एक्जैक्टली हुआ क्या था? क्या उसके टीचर किसी ट्रबल में थे? वो वापस घर क्यों नहीं लौटे और उन्होंने उसे कॉन्टैक्ट क्यों नहीं किया? अनन्या ने ऑनलाइन सेमिनार देखा जो उसके टीचर ने 15 दिन पहले अटेंड किया था और उसने देखा कि वो तो अच्छे से खत्म हुआ था, तो फिर सेमिनार खत्म होने के बाद वे कहां चले गए? अनन्या ने आर्यन के कलीग्स और फ्रेंड्स को कॉन्टैक्ट किया, लेकिन उसी की तरह उनको भी आर्यन के बारे में कुछ नहीं पता था और वो नहीं जानते थे कि वो कहां गए थे। अनन्या बहुत परेशान हो गई और उसे अपनी टीचर की चिंता हुई। जब से वो उठी थी तब से सब कुछ अजीब हो रहा था। उसके पास बहुत सारे क्वेश्चंस थे लेकिन उनका कोई आंसर नहीं था। क्या उस फेक फियांसे को लाने के लिए उसके बड़े अंकल की फैमिली ने उसके टीचर को गायब कर दिया था? और उसका हस्बैंड सिद्धार्थ, अच्छा हुआ वो आज उससे बचकर भाग गई। उसी टाइम अचानक अनन्या के दरवाजे की डोरबेल बजी। अनन्या को थोड़ा सरप्राइज हुआ क्योंकि उसके नए घर के एड्रेस के बारे में कोई नहीं जानता था, यहां तक कि उसके बड़े अंकल की फैमिली भी नहीं। इस कहानी में आगे क्या होगा जानने के लिए सुनते रहिए पॉकेट एफएम। आप सुन रहे हैं एक लव स्टोरी मृद्विका के साथ सिर्फ पॉकेट एफएम पर। क्या उसके टीचर वापस आ गए थे? अनन्या की आंखें एकदम चमक उठी और वो दरवाजे की तरफ भागी, लेकिन दरवाजे के पास एक लंबा चौड़ा आदमी खड़ा था जो अपने हाथों में ब्लैक सूट केस पकड़े था और उसकी बड़ी सी परछाई उस पर पड़ रही थी। उस आदमी का चेहरा उस डिम लाइट में ठीक से नहीं दिख रहा था। उस आदमी ने अनन्या की तरफ शांति से देखा।
उसने कोई हरकत नहीं की। जैसे ही उसने उसका चेहरा पहचाना, अनन्या का दिमाग खराब होने लगा। वो उसका हस्बैंड नहीं हो सकता। ये वो आदमी नहीं हो सकता जो उसके हस्बैंड होने का दावा कर रहा था। उसे कैसे पता कि वो यहाँ रहती थी? अनन्या को बड़ा सा झटका लगा था। जैसे ही उस लंबे आदमी ने अपना कदम आगे बढ़ाया, अनन्या ने तुरंत ही उसे रोका और कहा, तुम्हें कैसे पता चला कि मैं यहाँ रहती हूँ? सिद्धार्थ ने सूटकेस नीचे रखा और उसे व्हील से चलाया। अनन्या के क्वेश्चन का जवाब दिए बिना ही उसने बोला, तुम हॉस्पिटल से डिस्चार्ज हो गई हो। अनन्या की आंखें चौड़ी हो गई और उसने उस आदमी की तरफ देखा और कहा, तो तुम क्या करना चाहते हो? सिद्धार्थ की आंखें गहरी हो गई और उसने धीमी आवाज में कहा, देखो अनन्या, मैं ज्यादा कुछ तो नहीं कहूंगा, लेकिन तुम मेरी वाइफ हो और मैं तुम्हारा हस्बैंड हूँ। अब इससे ज्यादा ना मैं कुछ कहना चाहता हूँ और ना मैं कुछ सुनना चाहता हूँ। तो तुम भी अब ध्यान से मेरी बात सुन लो। मैं तुम्हारे साथ एक मैरिड कपल की तरह रहना चाहता हूँ। उसकी बातें सुनकर अनन्या चुप रही। मिसेज अनन्या सिद्धार्थ, मैं हमारी मैरिड लाइफ तुम्हारे साथ में शुरू करना चाहता हूँ। सिद्धार्थ की बात सुनकर अनन्या चौंक गई। उसे सिद्धार्थ की बात पर बिल्कुल भी भरोसा नहीं था। उसने फिर उससे कहा, तुम ये क्या कर रहे हो? तुम हमारी मैरिड लाइफ मेरे साथ शुरू करना चाहते हो? सिद्धार्थ के एक्सप्रेशंस काफी नॉर्मल थे। अगले ही पल उसने पूछा, क्या तुम मेरा यूज करके मुझसे पीछा छुड़ाकर भाग जाना चाहती हो? आखिर सिद्धार्थ के मन में ये सब क्या चलने लगा था? क्या वो वाकई उसे यूज करके भाग जाना चाहती थी? क्या उसकी इन बातों का मतलब कुछ और ही था? क्या वो पागल था? वो ऐसे कैसे कह सकता था? उसने उसका यूज कब किया? वो उसके साथ कब सोई? अनन्या बोली, मैं तुम्हें जानती तक नहीं हूँ। अनन्या सोचने लगी, कैसे ये आदमी जिसे वो जानती तक नहीं थी उसके साथ मैरिड कपल की तरह रहने की कोशिश कर रहा था? अनन्या को तो मन कर रहा था कि वो सिद्धार्थ को एक जोरदार पंच मार दे। सिद्धार्थ ने स्माइल नहीं किया, लेकिन मजाकिया अंदाज में वो बोला, वो कौन थी जो दिन में मेरी बाहों में आकर मुझे हावी बुला रही थी? अनन्या एकदम सरप्राइज हो गई थी। अनन्या को महसूस हुआ कि उसे बहुत गुस्सा आ रहा था, लेकिन उसने अपने आप को शांत किया। उसके बाद उसने कुछ सेकंड के लिए अपनी आंखें बंद की और फिर बड़ी प्यारी आवाज में बोली, मुझे उस दिन हुए इंसिडेंट के लिए आपको थैंक यू कहना चाहिए। मैं इतनी बुरी भी नहीं हूँ। ये कहने के बाद अनन्या ने सिद्धार्थ की तरफ देखकर स्माइल किया। बिना ये जाने कि सिद्धार्थ अपने गार्ड्स नीचे छोड़कर आया था कि नहीं, उसने अचानक बिना कुछ कहे दरवाजा बंद कर दिया और सिद्धार्थ और उसके सूटकेस को बाहर रहने दिया। अनन्या दरवाजे की ओर चिल्लाते हुए बोली, लेकिन मैं किसी जानवर को मेरे घर के अंदर नहीं आने दूंगी। वो आदमी कुछ ज्यादा ही अजीब था और वो खुद के बारे में कुछ ज्यादा ही सोचता था, केवल इसलिए कि वो अपने आप को उसका हस्बैंड बता रहा था। क्या वो सच में सोचता था कि वो उसका हस्बैंड था? यहाँ तक कि वो अपना सूटकेस लेकर उसके घर तक आ गया था। क्योंकि वो हैंडसम था, इसका मतलब ये नहीं था कि वो ये सब सोच सकता था। क्या अनन्या को देखकर ऐसा लगता था कि उसमें दिमाग नहीं था? उस केस को देखने के बाद तो वो कभी नहीं चाहती थी कि कोई अनजान आदमी उसके साथ रहे। लेकिन सच में वो आदमी कौन था और उसे उसके घर का एड्रेस कैसे पता था? अगर उसे जज भी किया जाए तो उसने आंटी और वीर के साथ कितने अच्छे से डील की। वो स्ट्रांग और बहुत केयरफुल था। उसकी पर्सनैलिटी देखकर लोग उसे पंगा नहीं ले सकते थे। अनन्या हाल ही में हॉस्पिटल से डिस्चार्ज होकर आई थी, तो उसके लिए रेस्ट लेना बहुत जरूरी था। लेकिन जब से वो उठी थी, उसकी आंटी की वजह से उसने कोई रेस्ट नहीं किया था। हालांकि अब वो अपने घर पर थी, इसलिए उसने फाइनली रिलैक्स किया और अच्छी नींद ली। जब वो अगली सुबह उठी तो उसकी आधी एनर्जी वापस आ गई थी। वो फ्रेश फील कर रही थी। अनन्या ने अपनी फ्रंट डोर को शक भरी नजरों से देखा। सिद्धार्थ नॉर्मल इंसान की तरह एक्ट नहीं कर सकता था। उसकी पर्सनैलिटी के अकॉर्डिंग वो पक्का ही कोई एक ही चीज पर अड़े रहने वाला बंदा था। लेकिन फिर भी अनन्या की डोरबेल शांत क्यों थी? क्या सिद्धार्थ ने गिव अप कर दिया था? अगर ऐसी ही बात थी तो फिर ये सच में अच्छा हुआ था। अनन्या ने अपना ब्रेकफास्ट खत्म किया और फिर वो जाने लगी। लेकिन जैसे ही उसने फ्रंट डोर खोला, उसने देखा दरवाजे के पास एक सूटकेस रखा था। वो वही ब्लैक सूटकेस था जो सिद्धार्थ अपने साथ लाया था। उसने हैरानी से अपने चारों तरफ देखा, लेकिन उसे आसपास कोई भी नहीं दिखा। उसने फिर सूटकेस की तरफ देखा। वो हैरान थी। वो सोचने लगी कि सिद्धार्थ ने क्या प्लान किया था? वो तो पहले ही चला गया था, तो फिर उसने ये सूटकेस उसके घर के बाहर क्यों छोड़ दिया था? क्या उसे नहीं पता था कि बिल्डिंग के इस फ्लोर पर वो अकेले नहीं रहती है? और क्या उसे डर नहीं था कि उसका सूटकेस चोरी हो सकता था? जीवन क्लिनिक दादाजी अनन्या और आर्यन के लिए छोड़ गए थे। वो जयपुर शहर के हवा सड़क पर लोकेटेड था। जीवन क्लिनिक दो फ्लोर तक बना था। फर्स्ट फ्लोर पर फार्मेसी और क्लिनिक बने हुए थे और दूसरे फ्लोर पर एक्यूप्रेशर और अन्य तरह के ट्रीटमेंट दिए जाते थे। अनन्या वही बड़ी हुई थी। 8 साल की उम्र में उसने सभी जड़ी बूटियों के बारे में जानना शुरू कर दिया था और उसके दादाजी से आयुर्वेदिक दवाइयों के बारे में सीखना भी शुरू कर दिया था। वो अपना पूरा दिन क्लिनिक में बिताती थी, इसलिए वहां की गलियों के सभी स्टोर ओनर्स ने उसे बड़ा होते हुए देखा था। अनन्या क्लिनिक के एंट्रेंस पर खड़ी थी और फार्मेसी के केमिस्ट जोशी अंकल को एक कार्डबोर्ड बॉक्स लेकर आता देख रही थी। जोशी अंकल ने अनन्या को नोटिस किया और जल्दी से उसके पास जाकर एक्साइटेड होकर बोले, अनन्या तो फाइनली तुम वापस आ गई। अनन्या ने बॉक्स को शक की निगाहों से देखते हुए पूछा, जोशी अंकल यहाँ क्या चल रहा है? जब जोशी अंकल ने ये सुना तो उनके चेहरे की स्माइल एकदम गायब हो गई। उसके बाद वो गुस्से में बोले, 10 दिन पहले डॉक्टर सिंह कुछ पेशेंट्स को देखने क्लिनिक आए थे। डॉक्टर सिंह? अनन्या को तुरंत एहसास हुआ कि वो उसके टीचर के बारे में बात कर रहे थे, इसलिए उसने एक्साइटेड होकर पूछा, क्या मेरे टीचर वापस आ गए? जोशी अंकल ने अपसेट होकर कहा, नहीं, तुम्हारी टीचर नहीं, तुम्हारी एक कजिन थी। उसने मुझे फोर्स किया था कि मैं उसे डॉक्टर सिंह कहकर बुलाऊं। अनन्या को जब ये रियलाइज हुआ कि उसके टीचर क्लिनिक भी नहीं आए, तो उसे थोड़ी सी निराशा हुई। उसकी कजिन रितिका सिंह उसके बड़े अंकल और आंटी की बेटी थी और उसके टीचर की नीस थी। टेक्निकली बोला जाए तो वो सब एक ही फैमिली से बिलोंग करते थे। अनन्या को याद आया, रितिका के पास अभी तक डॉक्टरी की डिग्री तक नहीं है, तो फिर वो क्लिनिक कैसे आ सकती थी? जोशी अंकल ने यह भी बताया कि जब रितिका क्लिनिक आई थी, तब अंकल ने तुरंत उसे और आर्यन को कॉल भी किया था, लेकिन किसी ने कॉल पिक नहीं किया। 3 दिन पहले रितिका ने उन्हें बोला कि वो उस क्लिनिक के लिए सूटेबल नहीं थे, इसलिए अंकल जोशी अपना सामान पैक करने आए थे। और थोड़ी देर बाद फिर बोले, उसने मुझे यहां तक कहा कि ये क्लिनिक उसका है। ये सुनकर अनन्या को हंसी आ गई।
ये क्लिनिक रितिका का कैसे हो सकता था? दादाजी अपने जाने के बाद ये क्लिनिक अनन्या और उसके टीचर को लेकर गए थे। अनन्या ने हमेशा ही अपने टीचर को इसका ट्रू ओनर माना था। उसके टीचर ने रितिका के साथ हमेशा अच्छा बिहेव किया था और उसकी अच्छे से केयर भी की थी। किसने सोचा था कि वो उनके क्लिनिक में इस तरह बिना शर्म के अपना हिस्सा मांगेगी? अंकल जोशी एक फेमस केमिस्ट थे जिन्हें अनन्या के टीचर ने खुद हायर किया था, इसलिए रितिका को कोई हक नहीं था कि वो उन्हें डिसमिस करे। अनन्या ने जोशी अंकल से माफी मांगी और उन्हें घर जाकर कुछ आराम करने के लिए कहा। अनन्या ने उनसे कहा, प्लीज इस टाइम को अपनी वेकेशन समझिए जब तक मैं खुद इस क्लिनिक में नहीं आ जाती। रितिका को देखकर ऐसा लगा कि उसे अनन्या के यहाँ आने के बारे में पहले से ही पता था, इसलिए वो उसको देखकर जरा भी सरप्राइज नहीं थी। वो आराम से चेयर पर बैठी थी और अपने फ्रेशली मैनिक्योर्ड नेल्स को देख रही थी और फिर ताना मारते हुए बोली, तुम बहुत ही एहसान फरामोश लड़की हो। मेरी मॉम ने हर दिन हॉस्पिटल में तुम्हारा ध्यान रखा, लेकिन तुम जैसे ही उठी तुमने उन्हें लात मार के साइड में कर दिया। अनन्या हंसी और जवाब देते हुए बोली, मुझे सच में इसके लिए तुम्हारी मॉम का थैंक यू कहना चाहिए। अनन्या ने बड़ी ही सिंसियरली इस बात को एडमिट किया, लेकिन फिर अचानक से रितिका गुस्सा हो गई। वो तुरंत खड़ी हुई और अनन्या को पॉइंट आउट करके ब्लेम करते हुए बोली, अनन्या तुम्हें जो मिला है तुम्हें उसे अप्रिशिएट करना चाहिए। तुम लकी हो कि वीर तुम्हें लाइक करता है और तुमसे शादी करना चाहता है। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई उसे रिजेक्ट करने की? तुम्हारे पास क्या राइट है? तुम बस एक अनाथ हो जिसे कोई नहीं चाहता। अनन्या ने रितिका को देखा और ताना मारते हुए बोली, अगर सच में वो इतना ही अच्छा है तो फिर मुझे आंटी से कहना चाहिए कि वो कल ही तुम दोनों की शादी करा दे, है ना? तुम्हें क्या लगता है कि हर कोई यहाँ पर एक दूसरे की फीलिंग्स के साथ खेल रहा है जैसे तुम खेल रही हो? एहसान फरामोश लड़की, तुम यहाँ से चली जाओ और अब दोबारा मेरे दादाजी के क्लिनिक में मत दिखाई देना, रितिका ने जोर से चिल्लाकर कहा। अनन्या चुप रही। क्या वो उसे अपनी पावर दिखाने की कोशिश कर रही थी? इस कहानी में आगे क्या होगा जानने के लिए सुनते रहिए पॉकेट एफएम। आप सुन रहे हैं एक लव स्टोरी मृद्विका के साथ सिर्फ पॉकेट एफएम पर। दादाजी ने मरने से पहले कहा था कि ये क्लिनिक मेरा और मेरे टीचर का है, तो किसे यहाँ से जाना चाहिए? अनन्या ने शांति से पूछा। रितिका ने उसे चुप कराते हुए बोला, वो इसलिए क्योंकि मेरे दादाजी और अंकल को तुमने अपने वश में कर रखा था। देखो कितनी बुरी हो तुम मेरे अंकल को टीचर कहकर बुलाती हो लेकिन तुम्हारी वजह से वो मिसिंग है, तो फिर मैं ये क्लिनिक तुम्हारे हाथों में कैसे छोड़ सकती हूँ? अनन्या को लगा जैसे उसने कोई अच्छा जोक सुना था। उसने रितिका से कहा, तुम कह रही हो कि मेरी वजह से टीचर मिसिंग है? क्या तुमने अभी ये नहीं कहा कि 15 दिन पहले मेरा कार एक्सीडेंट हुआ था? तुम मुझे इसके लिए कैसे ब्लेम कर सकती हो? मैं ये कह सकती हूँ कि तुम ही हो जिसकी इंटेंशन खराब है। जैसे ही मैं उठी तुम लोग ही थे जो ये कह रहे थे कि मैंने अपनी मेमोरी खो दी है, और तुम लोग ही हो जो कह रहे हो कि मेरा एक फियांसे भी है, और अब तुम क्लिनिक में अपना शेयर भी क्लेम करने की कोशिश कर रही हो। जो खुद बुरे हैं वो पहले कैसे कंप्लेन कर सकते हैं? पहले जब दादाजी ने अपना क्लिनिक अनन्या और उस टीचर को दे दिया था तब उसके बड़े अंकल की फैमिली ने उन्हें बहुत बुरा भला कहा, लेकिन उन लोगों ने तब इस तरह से कभी बिहेव नहीं किया था जैसे वो लोग अब उसके साथ कर रहे थे। अनन्या के टीचर ने उनको अपना भाई मानते हुए कभी भी उनके परिवार की बातों को दिल से नहीं लगाया था, लेकिन अंकल की फैमिली ये नहीं जानती थी कि उनके लिए क्या सही था और बस सारी हदें पार करते रहे। इसलिए अनन्या को पक्का यकीन था कि उसके टीचर बड़े अंकल की फैमिली की वजह से ही गायब हुए थे। वो इसलिए कि ये सच है कि तुमने अपनी मेमोरी खो दी है। हम तुम्हारी केयर इसलिए कर रहे थे क्योंकि हम बहुत काइंड हार्टेड लोग हैं। जब अंकल वापस आएंगे तब पक्का हम उन्हें उनका क्लिनिक वापस दे देंगे, लेकिन तब तक के लिए हम किसी ऐसे इंसान को क्लिनिक नहीं दे सकते जिसने अपनी मेमोरी खो दी है। हमने चाहते कि तुम हमारे पेशेंट का गलत तरीके से इलाज करो। रितिका ने तुरंत जवाब दिया। अनन्या ने अपनी कजिन का मजाक बनाते हुए बोला, अच्छा तो फिर क्या तुम पेशेंट का ट्रीटमेंट करने के लिए केपेबल हो? रितिका ने अपना फेस ऊपर करते हुए जवाब दिया, मुझे कम मत समझो, मुझे डॉक्टर की डिग्री मिल चुकी है। अनन्या ने स्माइल की लेकिन उसकी टोन कुछ गर्म थी। वो बोली, जब तुम 18 साल की थी तो तुम प्रेस्क्रिप्शन देखने के लिए मुझसे लड़ती थी और आखिर तुम उन पर लिखी हुई दवाइयों में डिफरेंस भी नहीं बता पाती थी, और तुमने वायरल फीवर को नॉर्मल कोल्ड समझ लिया था, और इनके अलावा तुमने पेशेंट को गलत दवाई भी दे दी थी। उसके बाद जब तुम 20 साल की हुई तुम प्रेस्क्रिप्शन लिखने के लिए लड़ती थी, आखिर में सिंपल सा फ्लू भी एक महीने तक चलता था और पेशेंट को निमोनिया हो चुका होता था। इन सब के बावजूद भी तुम क्लिनिक चलाना चाहती हो? अगर तुम खुद को एम्बेस करना चाहती हो तो कहीं और जाओ, यहाँ खुद को एम्बेस करने की जरूरत नहीं है। दादाजी ने इस क्लिनिक में अपनी जी जान लगा दी थी, मैं नहीं चाहती कि तुम उनकी रेपुटेशन को खराब करो। अनन्या की तेज आवाज में कहा हुआ एक वर्ड जैसे उसका मजाक उड़ा रहा था। रितिका को गुस्सा आ रहा था जैसे अनन्या ने उसको डुबा दिया हो। रितिका अपने गुस्से को कंट्रोल नहीं कर पाई और उसी टाइम तेज आवाज में चिल्लाई, तुमको क्या लगता है कि तुम मेरे कंपैरिजन में बहुत ग्रेट हो? अनन्या ने हंसते हुए जवाब दिया, क्या तुम अभी भी मेरे साथ कंपीट करना चाहती हो? चलो ठीक है फिर, जो हारेगा वो ये क्लिनिक छोड़कर जाएगा। रितिका मान गई लेकिन वो अपने ही शब्दों में फंस चुकी थी। रितिका ने अपनी मुट्ठी बंद कर ली। उसके मन में ये इच्छा उठी कि वो अनन्या के चेहरे की स्माइल को आंसू में बदल दे। तुमको लगता है कि तुम ग्रेट हो क्योंकि तुम्हारे एकेडमिक रिजल्ट्स बहुत अच्छे थे और तुमने 18 साल की उम्र में ही एक आयुर्वेदिक यूनिवर्सिटी में एडमिशन ले लिया था। अनन्या ने हाँ में अपना सिर हिलाया और कहा, हाँ मैं ग्रेट हूँ। रितिका का चेहरा गुस्से से लाल पड़ गया और उसने अनन्या को वॉर्न करते हुए कहा, अनन्या बात को बेकार में मत बढ़ाओ। अनन्या ने हंसते हुए कहा, ये तो तुम्हारे लिए भी है, कितनी खराब हो तुम। रितिका ने अपने नेल्स अपने ही हाथ में चुभाते हुए कहा। उसे अनन्या का इस तरह से बोलना और गुस्सा दिला रहा था और वो बोली, अनन्या यू स्टॉप इट। अचानक से एक बुजुर्ग कपल ने क्लिनिक के अंदर एक बैनर लेकर एंट्री की। उस बैनर पर लिखा था, एक बहुत ही उम्दा और मिरेकल डॉक्टर। वो बुजुर्ग महिला रितिका को बार बार थैंक यू कह रही थी और बोल रही थी कि उसके पति का पीठ का दर्द पूरी तरह ठीक हो गया था। आयुर्वेदा के पहले उसने कई बार अपने पति का इलाज इंग्लिश डॉक्टरों से भी करवाया था लेकिन उसका कोई खास फायदा नहीं हुआ, इसलिए उसने आयुर्वेदिक इलाज करवाने का सोचा और रितिका ने जो दवाई दी थी वो बहुत अच्छी थी। वो ये तक बोली कि वो उसे वैसी ही दवाई और दे। इधर रितिका अनन्या के कमेंट्स सुनकर बहुत गुस्सा थी, लेकिन जब वो बुजुर्ग कपल आया तो पहले तो वो खुश नहीं थी, लेकिन जब उन्होंने उसे मिराकल डॉक्टर कहकर बुलाया तो वो मुस्कुराने लगी। उसने अनन्या की तरफ देखा जैसे वो ऐसे कह रही हो, क्या तुमने कहा था कि मैं केपेबल नहीं हूं? क्या तुम नहीं देख सकती कि ये लोग मुझे एक बैनर दे रहे हैं और मुझे मिराकल डॉक्टर कहकर बुला रहे हैं? अनन्या चुप थी। अनन्या रितिका को अंडर एस्टिमेट नहीं करना चाहती थी लेकिन वो अपनी कजिन को अच्छे से जानती थी। रितिका इनकॉम्पिटेंट थी जिसे यहाँ पल्स चेक करना भी ठीक से नहीं आता था, और मेडिसिन कोई इतना इजी सब्जेक्ट नहीं था जिसे कोई इतनी जल्दी सीख ले और इम्प्रूव कर सके।
और जहां तक रितिका की बात थी, जब तक उसका दोबारा जन्म नहीं हो जाता या फिर वो अपने मेडिकल स्किल्स को लेकर एक्सपीरियंस ना हो जाए या फिर उन स्किल्स को अपनी बॉडी में इंजेक्ट ना कर ले जैसा फिल्मों और किताबों में होता है, तभी एक्सपर्ट हो सकती थी, और ये इम्पॉसिबल था। जब रितिका अपने प्रेस्क्रिप्शन के अकॉर्डिंग दवाइयां निकाल रही थी तो अनन्या उसे ध्यान से देख रही थी कि वो कोई गलती ना कर दे। उसने देखा कि वो वही दवाइयां निकाल रही है जो लोअर बैक पेन के लिए सूटेबल थी, लेकिन वो ब्राउन पाउडर क्या था जो उसने लास्ट में ऐड किया था? जब रितिका पेशेंट के पास वो दवाइयां देने गई तो अनन्या ने थोड़ा सा बचा हुआ ब्राउन पाउडर मेडिसिन टेबल से टिश्यू में भर लिया और उस टिश्यू को अपनी पॉकेट में रख लिया। जब रितिका वापस आई और उसने अनन्या को उसी जगह थोड़ा कंफ्यूज होते हुए देखा तो उसने सोचा कि इस तरह उसने अनन्या को करारा जवाब दिया था और वो बहुत ज्यादा सेटिस्फाइड थी। वो बहुत ज्यादा इतराते हुए उसे ताना मारते हुए बोली, अनन्या क्या तुमने वो सब देखा? तुम अकेली नहीं हो जो केपेबल हो। रितिका सच में मैं तुम्हें मान गई, तुम पहली इंसान हो जिसका दिमाग घुटनों में रहकर भी काम करता है। अगर कोई साइन बोर्ड लेकर घूमे जिस पर लिखा हो कि मैं भगवान हूँ तो इसका मतलब ये नहीं हो जाता कि वो सच में भगवान है। उसी तरह तुमने किसी का बैक पेन ठीक कर दिया तो इसका मतलब ये नहीं कि तुम सच में एक मिरेकल डॉक्टर हो। अनन्या के इंसल्टिंग वर्ड्स ने रितिका को चुप करा दिया। उसने गुस्से में चिल्लाते हुए कहा, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरी इंसल्ट करने की? क्या तुम मरना चाहती हो? रितिका ने अनन्या को थप्पड़ मारने के लिए अपना हाथ उठाया, लेकिन अनन्या ने जल्दी से उसका हाथ पकड़ के उसे रोक दिया और इस झटके से रितिका का पैर पीछे रखी हुई मेडिसिन टेबल से टकरा गया और वो दर्द से चिल्लाई, रितिका मैं तुम्हें पहले ही एक चीज क्लियर कर देती हूँ, तुम दादाजी की रेपुटेशन को खराब करने की कोशिश भी मत करना, नहीं तो तुम देखना कि मैं तुम्हारे साथ क्या करती हूँ। अनन्या ने जाने से पहले उससे कहा। रितिका उसे जाते हुए ऐसे देख रही थी जैसे उसकी आंखों में उसके लिए जहर भरा हुआ था और उसने गुस्से में मेडिसिन टेबल पर से दवाई को नीचे गिरा दिया। अनन्या यू इडियट, वापस आओ यहां। अनन्या के कानों को चुभता हुआ कोई शोर सुनाई दिया, इसलिए वो पीछे मुड़ी और रितिका को देखने लगी। वापस आओ, अनन्या वापस आने के लिए ही तो जा रही थी और वो किसी भी तरीके से अपने बड़े अंकल की फैमिली को क्लिनिक में उसका हिस्सा नहीं लेने देने वाली थी। उसके बाद अनन्या ने पूरी हवा सड़क पैदल चलकर पार की और उन सभी जाने पहचाने लोगों से उसके टीचर के बारे में पूछा कि क्या उन्होंने उन्हें देखा था, लेकिन उन 15 दिनों में किसी ने भी उन्हें नहीं देखा था। अंधेरा होने से ठीक पहले अनन्या अपने घर आ गई थी और वो थक चुकी थी। जैसे ही वो अपने फ्रंट डोर पर पहुंची उसे अचानक याद आया कि सिद्धार्थ अपना सूटकेस वहां छोड़ गया था, पर वो वहां नहीं था। क्या सिद्धार्थ उसे वापस ले गया था या फिर किसी और ने उसे ले लिया था? अनन्या ने अपना दरवाजा खोला, ये मैटर नहीं करता था कि वो सूटकेस कहां गया और वो जानना भी नहीं चाहती थी। फिर उसने दरवाजे को अंदर धक्का दिया। सिद्धार्थ जो कि अजनबी था उसने उसे फॉलो नहीं किया था। अनन्या अपने अपार्टमेंट में अंदर गई। सूटकेस अच्छा दिख रहा था, क्या उसके अंदर कुछ प्रेशियस था? वो भी ये सब सोच ही रही थी कि उसी टाइम अनन्या अचानक शॉक हो गई। उसकी आंखें और फेस उसी जगह जैसे जम गए थे। सिद्धार्थ का सूटकेस उसके घर के अंदर क्यों था? अचानक उसे अजीब सी फीलिंग आ रही थी। वो कभी डर रही थी तो कभी कंफ्यूज हो रही थी, तो कभी नर्वस हो रही थी, तो कभी एम्बैरस्ड फील कर रही थी, तो कभी उसे गुस्सा आ रहा था। उसने किसी भी अनजान आदमी को अपने घर का कोड नहीं बताया था, तो फिर सिद्धार्थ घर के अंदर कैसे आया था? अनन्या तुरंत चिल्लाई, सिद्धार्थ! इस कहानी में आगे क्या होगा जानने के लिए सुनते रहिए पॉकेट एफएम। आप सुन रहे हैं एक लव स्टोरी मृद्विका के साथ, सिर्फ पॉकेट एफएम पर। वीर अरोड़ा ने गुलाबों का बुके देखा और अनन्या की आंटी को गुस्से से देखा। हम इसे क्यों नहीं भूलते और दूसरे प्लान के बारे में सोचते हैं? मुझे नहीं लगता कि अनन्या को फंसाना आसान है। आंटी ने एक रिंग वीर के हाथ में दी और उसका मजाक उड़ाया। हम इस तरह हार कैसे मान सकते हैं? हमें पहले ही ये बात पता थी, हम और क्या कर सकते हैं? हम उस अनजान आदमी को फायदा नहीं उठाने दे सकते। मैं बता दूं, अगर आप अनन्या से शादी नहीं करते हैं तो आपको हमसे 1% भी नहीं मिलेगा और हम आपकी किसी भी जेब को चुकाने में मदद नहीं करेंगे। वीर ने चिल्लाकर कहा, ऐसा नहीं है कि वो सच में अपनी मेमोरी खो चुकी है। ये सुनते ही आंटी खुश नहीं हुई और तुरंत अंदर जाकर बोली, चुप रहो। वीर ने महसूस किया कि उसने लाइन से बाहर बात की थी, इसलिए उसने अपनी आवाज धीरे की और कहा, उसने कभी हमारी एक वर्ड पर भी विश्वास नहीं किया और उसने मुझे कभी भी अपने फियांसे के रूप में एक्सेप्ट नहीं किया। अब जब एक और आदमी ने उसके हस्बैंड होने का दावा किया है, मेरे प्रपोज करने के लिए पहले से ही बहुत देर हो चुकी है, इसलिए हमें शुरू से ही ये नहीं कहना चाहिए था कि मैं उसका फियांसे था। हमें बस यही कहना चाहिए था कि मैं उसका हस्बैंड था। वो आदमी भी हमारी तरह सेम चीज के पीछे है। वो यहाँ जीवन क्लिनिक की वजह से है। जीवन क्लिनिक वो क्लिनिक था जिसे दादाजी ने अनन्या और आर्यन के लिए छोड़ा था। आंटी ने वीर को कोहनी मारते हुए कहा, चिंता मत करो, आपका प्रपोजल जरूर काम करेगा। मत भूलो कि आप किस प्रोफेशन में हो। मुझे यकीन है कि वो स्वीट टॉक्स पसंद करती है। वीर प्राउडली मुस्कुराया। क्या उस महिला को स्वीट टॉक्स पसंद नहीं थी? इसके अलावा अनन्या के पास एक अच्छा रंग रूप था, इसलिए उसने उसके साथ थोड़ा सा भी माइंड गेम खेलने का मन नहीं बनाया। जैसे ही अनन्या अपने वार्ड से बाहर निकली, उसने देखा कि वीर और उसकी आंटी एक फ्लावर शॉप के सामने खड़े थे। वीर के हाथों में रोजेस का एक बंच था जो ठीक वैसा ही दिख रहा था जैसा सिद्धार्थ उसके लिए पहले लाया था। अनन्या ने उनकी नजरों से बचने के लिए अपना रास्ता बदलना चाहा, लेकिन बहुत देर हो चुकी थी। आंटी ने उसे अपनी तिरछी नजरों से देख लिया था और दूर से ही उसे बुलाने लगी, अनन्या, अनन्या। उसी समय वीर अपने हाथों में रोजेस लिए हुए इतना तेज भागा जितना तेज वो भाग सकता था। फिर वो अपने नी के सहारे फ्लोर पर बैठ गया और अनन्या को एक रिंग देते हुए बोला, मैं तुम्हारे लिए दो लाइन कहना चाहता हूँ, उम्मीद करता हूँ तुम्हें पसंद आएंगी। अगर हम दोनों की फीलिंग्स एक दूसरे के लिए सेम हैं, तो हमने उनको अलग क्यों कर रखा है? हमें उनको दिन और रात एक साथ रहने देना चाहिए। वीर की अचानक कही हुई पोयम इतनी खराब थी कि उसे सुनकर अनन्या के सर में दर्द होने लगा। ये किसी फिल्म की घिसे पिटे लाइन की तरह भी नहीं थी, कम से कम वो कोई पोयम तो बिल्कुल भी नहीं थी। जानती हो अनन्या, मैं हमेशा से सोचता था कि लव इस पोयम की तरह होता था, लेकिन केवल तब तक जब तक तुम्हारा एक्सीडेंट नहीं हुआ और तुम कोमा में नहीं चली गई। तुम्हारी चिंता ने मुझे वीक कर दिया है और तभी मुझे एहसास हुआ कि मैं तुमसे कितना प्यार करता हूँ और मैं तुम्हें खो नहीं सकता। पता नहीं मैं कैसे कहूँ, पर मेरे लिए तुम सब कुछ हो। अनन्या प्लीज मैरी मी, मैं तुम्हें हमेशा खुश रखूंगा। अनन्या के पूरे शरीर में रोंगटे खड़े हो गए। उसे लग रहा था जैसे पति सिद्धार्थ से भी बुरा वाला शौक दे दिया था। क्या वे इस बात से डर रहे थे कि सिद्धार्थ ने उसे उनसे दूर ले जाकर उनके बेकार प्लान को बर्बाद कर दिया था?
उसके बड़े अंकल का परिवार क्या चाहता था और ऐसे क्या बेनिफिट्स थे जो उन्होंने वीर को दिए जिससे वो एक स्ट्रेंजर से शादी करने के लिए रेडी हो गया था। उसी टाइम अनन्या की आंटी दौड़ पड़ी और उन्होंने अपनी सांस को कंट्रोल करने की कोशिश करते हुए खुशी के साथ कहा, अनन्या ये बहुत अच्छा है कि अब तुम और वीर आखिरकार एक साथ सेटल हो सकते हो। मैं तो बस यही चाहती हूँ कि तुम्हें वीर से शादी कर लेनी चाहिए, मैरी हिम। आंटी ने ताली बजा बजाकर बार बार वही आखिरी के वर्ड्स रिपीट किए। उनकी खुशी ने कुछ देखने वालों को भी अट्रैक्ट कर लिया और वो उनके साथ साथ कहने लगे, तुम्हें वीर से शादी कर लेनी चाहिए, मैरी हिम। आखिरकार दो लवर्स को एक साथ देखना बहुत रोमांटिक था और लोगों के सपोर्ट के साथ वीर की स्माइल और ज्यादा बड़ी हो गई। उसने अनन्या को प्यार भरी नजरों से देखा और कहा, मैरी मी अनन्या, मैं अगले 10, 20, 50 साल और यहाँ तक कि अपनी नेक्स्ट लाइफ और उसके बाद की लाइफ में भी तुमसे लव करता रहूंगा। जैसे ही अनन्या ने अपने चारों तरफ की आवाजें सुनी, उसे ऐसे लगा जैसे उसके दिमाग में बहुत सारी उथल पुथल मची हुई है। आसपास की आवाज सुनकर उसे समझ नहीं आ रहा था कि आखिर वो लोग इन सब चीजों में क्यों शामिल हो गए थे, जबकि उन्हें तो पता भी नहीं था कि आखिर कहानी थी क्या। लेकिन उसका पूरा शक उसकी आंटी के ऊपर गया कि वो कितना कुछ कर सकती थी। वो उसे शादी के लिए इस सिचुएशन का फायदा उठाकर उसे मानने के लिए फोर्स कर रही थी और वो लोगों को इसमें इंक्लूड करके उसके लिए इस प्रपोजल को रिजेक्ट करना मुश्किल बना रही थी। अनन्या ने मुस्कुराते हुए शांति से पूछा, क्या आपने ड्रामा और डेली सोप कंपनी से ग्रेजुएशन किया है? ये प्रपोजल बहुत डिफरेंट और रियलिस्टिक था। उसकी उस अजीब सी स्माइल के बीच एक मजाकिया अंदाज लग रहा था। एक पल के लिए वीर के एक्सप्रेशंस गायब हो गए, लेकिन वो फिर से मुस्कुराया और बोला, अनन्या मुझे पता है कि तुम अपनी मेमोरी खो चुकी हो और तुम्हें मैं याद भी नहीं हूँ। मुझे नहीं पता कि ये प्रपोजल मेरे प्यार को अच्छे से रिप्रेजेंट कर पा रहा है या नहीं, लेकिन मैं गारंटी दे सकता हूँ कि मैं तुम्हें लाइफ टाइम प्यार करता रहूंगा, मैरी मी। अनन्या ने वीर को मुस्कुराकर देखा और फिर गुस्से से जवाब दिया, नहीं। अनन्या डिसाइड कर चुकी थी कि वो वीर को जरा भी मौका नहीं देना चाहती थी, लेकिन जब अनन्या की आंटी ने ये देखा तो वो तुरंत पैनिक करने लगी। अपनी आंखों को घुमाते हुए वो अचानक वीर को देखने के लिए मुड़ी और मजाक में कहा, वीर क्या तुमने अनन्या को परेशान करने के लिए कुछ किया? तुम जल्दी से उसे यकीन क्यों नहीं दिलाते हो? वीर ने तुरंत आंटी के इशारे को समझ लिया, इसलिए बिना किसी वार्निंग के वो आगे बढ़ा और अनन्या के पैरों के पास बैठ गया। उसे जाने से रोकते हुए कहने लगा, अनन्या नाराज मत हो, मैं ये सब इसलिए करता हूँ क्योंकि मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ और मुझे डर है कि मैं तुम्हें खो दूंगा। मैं सच में तुम्हारे बिना नहीं रह सकता, इसलिए प्लीज मैरी मी। मैं पक्का वैसा बनके दिखाऊंगा जैसा तुम चाहोगी। अनन्या प्लीज मत जाओ। ऐसा बोलते हुए वीर की आंखों से आंसू गिरने लगे। किसी आदमी को अपने लिए इस तरह देखकर अनन्या काफी शॉक में थी। तभी वहां भीड़ में से मौजूद एक औरत उनके पास आई और बोली, आज के जमाने में इस तरह के सेंसिटिव लड़कों का मिलना बहुत मुश्किल है। अगर कोई मुझसे इतना प्यार करता तो मैं उससे जरूर शादी कर लेती। वो बहुत लविंग और इमोशनल है बेटी, आपको उससे शादी करनी चाहिए। ये सही है, कंफ्यूजन को खत्म करो। इस तरह के सेंसिटिव लड़कों का मिलना बहुत मुश्किल है, मुझे लगता है कि तुम्हें शादी के लिए हाँ कर देना चाहिए, अनन्या की आंटी ने कहा। मुझे नहीं पता कि तुम दोनों के बीच आखिर क्या हुआ है, लेकिन मैं इतना बता सकती हूँ कि वीर सच में तुमसे बहुत प्यार करता है। अपने गुस्से की वजह से तुम उसका दिल तो मत दुखाओ। अनन्या चुप थी। अनन्या ये सब ड्रामा खत्म करके वहां से दूर भाग जाना चाहती थी, लेकिन वीर उसके पैरों के पास ही बैठा हुआ था। उसकी आंखों में अब भी आंसू थे। उसे कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि आखिर वो करे तो करे क्या। ये सब चीजें सोचकर उसका सिर दुखने लगा था। इस उलझन से अनन्या अपने आप को बाहर निकालने की कोशिश कर रही थी कि तभी उसे दूर खड़ा हुआ कोई शख्स नजर आया। उसके चेहरे पर तैरती हुई स्माइल को देखकर जैसे उसके दिल को एक सुकून सा मिला। वो सिद्धार्थ था। अनन्या के दिमाग ने तुरंत रिएक्ट किया, उसे उन दोनों में से किसी एक को चूज करना था। भले ही सिद्धार्थ भी फेक था और जिसके इंटेंशंस अच्छे नहीं थे, पर ऑब्वियसली वो उसकी आंटी की साइड नहीं था। कहते हैं जब दो लोगों में लड़ाई होती है तो तीसरे को फायदा हमेशा ही होता है, इसलिए अनन्या ने अपना मुंह खोला और एक मुस्कुराहट के साथ आवाज दी, मिस्टर हबी। जैसे ही उसने ये कहा, सभी ने तुरंत उसकी नजरों की ओर देखा कि वो किसे बुला रही थी। सबकी आंखें उस हैंडसम लड़के पर आकर रुक गई। लंबा चौड़ा और काफी अच्छी पर्सनालिटी वाला बंदा वहां पर खड़ा था। पहले तो वीर को ये लगा कि अनन्या उसे बुला रही है, लेकिन एक पल के झटके के बाद उसने अपनी नजरें सिद्धार्थ की ओर घुमा दी। वीर के एक्सप्रेशन तुरंत बदल गए, उसे गुस्सा आने लगा और उसने कांपते हुए कहा, यह आदमी कौन है? वो फिर से हमारे रिलेशन को तोड़ने के लिए यहां तक क्यों आया है? अनन्या ने मौके का फायदा उठाते हुए अपने कदम सिद्धार्थ की तरफ बढ़ा दिए। सिद्धार्थ काफी समय से वहां खड़े रहकर सारा ड्रामा दिख रहा था। अनन्या जाकर उसके पास खड़ी हो गई और उसे एक वार्निंग दी, अगर वो उसका हस्बैंड बनना चाहता था तो उसे यहां पर काफी चीजें प्रूव करनी पड़ेंगी। लेकिन वो आदमी कुछ कदम पीछे हट गया जैसे वो जाना चाहता था। अनन्या का दिल सहम गया, और क्या सिद्धार्थ यहां से अपने कदम पीछे हटाना चाहता था? फिर वो कैसा हस्बैंड था? ऐसा लग रहा था कि उसके पास फ्यूचर में उस झूठ को वेरीफाई करने वाला कोई पॉइंट नहीं था, क्योंकि सच उस मोमेंट पर ही पता चल गया था। जैसे ही उसने उसकी दूरी बढ़ती देखी, अनन्या ने अपना मन बना लिया और अपने हस्बैंड सिद्धार्थ को हग कर लिया। वो फिर बोली, हाँ भी। सिद्धार्थ ने उसे एक नजर देखा और अनन्या पर अपनी नजरें टिका ली जैसे कि वो उससे पूछ रहा हो कि वो कौन थी और वो उसे हग क्यों कर रही थी। इस कहानी में आगे क्या होगा जानने के लिए सुनते रहिए पॉकेट एफएम। सुन रहे हैं एक लव स्टोरी मृद्विका के साथ, सिर्फ पॉकेट एफएम पर। सच में अनन्या गुस्से में लग रही थी। वो सिद्धार्थ से सवाल जवाब करना चाहती थी और पूछना चाहती थी कि वो उसके घर के अंदर कैसे आया था, लेकिन बहुत देर तक चिल्लाने पर भी उसे कोई रिस्पॉन्स नहीं मिला। उसे बहुत डर लग रहा था। वो अपने बेडरूम में भागी और किसी डिटेक्टिव की तरह उसने अपने घर का कोना कोना ऊपर से लेकर नीचे तक अच्छे से चेक किया। वो सिद्धार्थ को ढूंढने तक का वेट नहीं कर पा रही थी, क्योंकि अगर वो उसे ढूंढ लेती उसे बहुत मारती, फिर चाहे वो मर ही क्यों ना जाता। लेकिन घर के अंदर उसके अलावा कोई और नहीं था। अनन्या की आंखें आज से पहले कभी भी इतने सरप्राइज में नहीं खुली थी। जब उसने वो सूटकेस देखा तो उसने अज्यूम किया कि सिद्धार्थ ने उसके अपार्टमेंट का लॉक तोड़ा होगा, लेकिन सूटकेस तो वहां था पर सिद्धार्थ कहीं नहीं दिख रहा था। वो सूटकेस को अंदर आसानी से तो नहीं ला पाया होगा, है ना? अनन्या को उस पर यकीन ही नहीं हो रहा था, इसलिए उसने अपने अपार्टमेंट को फिर से चेक किया। यहां तक कि उसने अपनी वार्डरोब को भी अंदर तक देखा, क्योंकि उसे लगा कि ये इतनी बड़ी थी कि आदमी तो अंदर छिपा ही सकती थी, लेकिन सिद्धार्थ उसे वहां भी नहीं दिखा। अनन्या एक बार फिर शॉक में थी।
वो ये पता ही नहीं लगा पा रही थी कि सिद्धार्थ क्या सोच रहा था। उसे डाउट होने लगा क्योंकि वो सिद्धार्थ को नहीं जानती थी, लेकिन ऐसा लग रहा था कि सिद्धार्थ उसके बारे में सब कुछ जानता था। वो उसके अपार्टमेंट का कोड तक जानता था। इसका मतलब था वो सच में उसे जानती थी। अपार्टमेंट में एकदम शांति थी, यहां तक कि अनन्या भी अपने लिविंग रूम में एकदम अकेली चुपचाप खड़ी थी। उसे सिद्धार्थ का सूटकेस ऐसा लग रहा था कि जैसे वो सर्वेलेंस कैमरा था जो उस पर नजर रख रहा था। ये उसको ऐसा फील करा रहा था कि जैसे वो किसी जेल में थी, जैसे शिकार अपने पिंजरे में होता है। बिना कुछ और सोचे अनन्या ने सिद्धार्थ के सूटकेस को बाहर धक्का दे दिया और उसके बाद उसने अपने दरवाजे का सिक्योरिटी कोड चेंज किया। अनन्या के अपार्टमेंट में सिक्योरिटी की अच्छी खासी फैसिलिटी थी और हर डोर पर एक सिक्योरिटी कोड लगा हुआ था। वो नहीं चाहती थी कि वो जब सुबह उठे तो उस आदमी को अपने बेड के पास बैठा पाए जब उसका माइंड उस टाइम अच्छे से सोचने की हालत में भी ना हो। अगले दिन जब वो अपने अपार्टमेंट से निकल ही रही थी तो अनन्या ने देखा कि वो सूटकेस फिर से गायब था। वो इसमें कुछ नहीं कर सकती थी, लेकिन वो हंसी। ऐसा लग रहा था कि सिद्धार्थ वहां से अपने सूटकेस के साथ गायब हो गया था। इस तरह उसने अपने आप को बचा लिया था और अपने सो कॉल फियांसे से डील किया था और अब वो शांति से अपने टीचर को ढूंढ सकती थी। इसके बाद अनन्या हॉस्पिटल के पीडियाट्रिक वार्ड में पहुंची जहां अनन्या कीर्ति को ढूंढने लगी, लेकिन कीर्ति पेशेंट की केयर करने में बिजी थी। पेशेंट वीआईपी रूम के अंदर था जो कि हॉस्पिटल का बेस्ट रूम था। उसका इंटीरियर भी बहुत अच्छा था, ये एकदम आरामदायक और बहुत बड़ा था, जैसे किसी 5-स्टार होटल का प्रीमियम सूट होता है। हॉस्पिटल रूम के अंदर एक लगभग 4 साल का बच्चा था। उसका चेहरा बहुत सॉफ्ट और उसके गाल एकदम गोल थे। वो बहुत ज्यादा क्यूट लग रहा था, लेकिन उसका रंग पीला और चेहरा उतरा हुआ लग रहा था। एक नजर में ही पता लग रहा था कि उसकी बॉडी वीक थी और उसमें जरूरी मिनरल्स की कमी थी। अनन्या हॉस्पिटल बेड के पीछे खड़े होकर उस बच्चे की तरफ स्माइल करते हुए हाथ हिलाने लगी और उसने कहा, हाय लिटिल वन, तुम कैसे हो? छोटे बच्चे ने अनन्या की तरफ देखा और इतनी छोटी एज में उसे पता था कि एम्बैरेस्ड फील कैसे करते हैं, इसलिए उसने अपना सर शर्म से नीचे कर लिया और उसका फेस अजीब सा हो गया। कीर्ति ने छोटे बच्चे को ब्लैंकेट से कवर किया और प्यार से बोला, शानू थोड़ी देर सो जाओ, डॉक्टर दीदी अभी वापस आएंगी और बाद में आपको कंपनी देंगी और आपके साथ खेलेंगी। उसके बाद कीर्ति अनन्या के साथ रूम से बाहर चली गई। जैसे ही वो चेयर पर बैठी, कीर्ति ने अपने हाथों से उसके परेशान कंधों पर मसाज करना शुरू किया और पूछा, तुम यहां क्यों आई हो? अनन्या ने अपने साथ लाई कोल्ड ड्रिंक की बोतल में से एक सिप लिया और कीर्ति को देते हुए बोली, मैं तुम्हारा वेट कर रही थी कि तुम अपना काम खत्म कर लो तो हम साथ में डिनर कर सकें। मैंने ऑनलाइन देखा था कि पास ही में एक नया रेस्टोरेंट खुला है, चलो वहां चलते हैं और कुछ नया ट्राई करते हैं। कीर्ति ने उसकी बोतल से एक सिप लिया और उसे जवाब देते हुए बोली, डिनर तो रहने देते हैं, तुम्हें अभी ठीक हुए ज्यादा टाइम नहीं हुआ है, इसलिए अच्छा होगा कि तुम बाहर का मत खाओ। तुम्हें घर जाना चाहिए और कुछ हल्का फुल्का बना लेना चाहिए। और हाँ, ये सॉफ्ट ड्रिंक्स भी ज्यादा पीना तुम्हारे लिए सही नहीं है, इन्हें बंद कर दो। अनन्या ने अपने सामने टेबल पर कोल्ड ड्रिंक की बोतल रख दी और कहा, अच्छा ठीक है, तुम सारी पी सकती हो, चलो आज रात को कुछ हल्का फुल्का खाने चलते हैं। कीर्ति ने कहा, आज रात को मैं सच में नहीं जा सकती, लगता है मुझे पूरी रात बैठकर काम करना पड़ेगा। तुम्हारे फेस को देखते हुए ऐसा लग रहा है और मैं श्योरली कह सकती हूँ कि तुम कल रात से काम कर रही हो और सोई भी नहीं हो, तुम्हें आज भी कंटिन्यू काम क्यों करना है? अनन्या ने कहा, वो बच्चा याद है शानू, उसको बहुत तेज फीवर है और उसका फीवर बार बार आ रहा है और जा रहा है। हमने उसका फुल बॉडी चेकअप किया था और उसके साथ कुछ भी गड़बड़ नहीं है, लेकिन उसे 3 दिन से फीवर है और ये पूरी तरह से जा भी नहीं रहा। हमारे डिपार्टमेंट में जो हेड है वो भी कल रात बहुत देर तक रुकी रही थी, तो फिर मैं कैसे जा सकती हूँ? कीर्ति ने बोलते हुए अनन्या को एक मेडिकल रिकॉर्ड दिया और उसे देखने को कहा। अनन्या ने मेडिकल रिकॉर्ड खोलकर देखा और वो बोली, तुम्हारे डिपार्टमेंट की हेड भी आई थी, ये कुछ ज्यादा नहीं हो रहा? कीर्ति ने अपनी आवाज तेज करते हुए कहा, तुम नहीं जानती वो किसका बच्चा है? तुमने जरूर ठाकुर फैमिली का नाम सुना होगा, वो जयपुर सिटी की रिचेस्ट फैमिलीज में से एक है। अनन्या ने जल्दी से बच्चे के डोजेस और रिपोर्ट्स को पढ़ा। उसकी कोई भी रिपोर्ट, चाहे वो ईईजी हो या ईसीजी हो या फिर पैथोलॉजी के कोई रिजल्ट्स हो, किसी में भी कोई प्रॉब्लम नहीं थी। उसके बाद उसने मेडिकल रिकॉर्ड की फाइल को बंद किया और पूछा, उसकी फैमिली में और कौन कौन है? क्या उनमें से किसी को कोई जेनेटिक डिजीजेस हैं? कीर्ति ने अपना सिर हिलाते हुए कहा, नहीं। अनन्या थोड़ा सा सरप्राइज थी, उस बच्चे को कंटिन्यूअसली फीवर था जो बार बार आता जाता रहता है, लेकिन उसकी बॉडी में किसी भी तरह की कोई प्रॉब्लम नहीं थी। वैसे तुम बताओ, तुम यहाँ पर सिर्फ मेरे साथ डिनर करने के लिए तो नहीं आई हो, है ना? कीर्ति ने पूछा। हाँ, तुम सही कह रही हो, मैं चाहती हूँ कि तुम मेरे लिए कुछ चेक करो। अनन्या ने अपना हैंडबैग खोला और उसमें से ब्राउन पाउडर निकाला जो वो क्लिनिक से लाई थी, लेकिन जैसे ही उसने ये कीर्ति को दिया, उसी टाइम वीआईपी रूम से अचानक बेल बजने की आवाज सुनाई दी। कीर्ति तुरंत खड़ी हो गई और उसने अनन्या को कहा, तुम यहीं रुको, और जल्दी से रूम से चली गई। अनन्या ने वेटिंग रूम में बैठकर कीर्ति का थोड़े टाइम इंतजार किया, लेकिन कीर्ति वापस नहीं आई। उसने सुना कि बाहर कुछ आर्ग्यूमेंट्स हो रहे थे। वो कीर्ति के लिए थोड़ा सा परेशान थी, इसलिए वो खड़ी हुई और अपनी फ्रेंड को ढूंढने लगी। आर्ग्यूमेंट्स की आवाज वीआईपी रूम से आ रही थी। इस बात को कितने दिन हो गए? मेरे बेटे को नॉर्मल एक फीवर था, लेकिन उसकी हालत तुम्हारे ट्रीटमेंट से और भी ज्यादा खराब हो गई। उसे खांसी शुरू हो गई और उसमें बात करने के लिए भी एनर्जी नहीं है, और थोड़ी देर पहले जब मैं उसे वॉशरूम तक ले जाने में हेल्प कर रही थी, वो ठीक से सीधा चल भी नहीं पा रहा था। इसके साथ ही उसको फिर से फीवर हो गया। मुझे बताओ ये चल क्या रहा है? मैं तुम्हें वार्निंग दे रही हूं, अगर मेरे बेटे के साथ कुछ हुआ तो मैं हॉस्पिटल को बंद करवा दूंगी। रूम का दरवाजा खुला था। अनन्या दरवाजे के साइड में खड़ी थी और उसने अंदर देखा तो उसे ब्लैक ड्रेस में एक बहुत ही सुंदर लेडी दिखाई दी। उस पल उसका सुंदर चेहरा गुस्से से लाल हो रहा था। उसके ब्यूटीफुल पेंटेड नेल्स दिख रहे थे, जिनसे वो सभी नर्सेस को और डॉक्टर्स को पॉइंट आउट कर रही थी जो उसके सामने थे, और उन पर गुस्से से चिल्ला रही थी। सभी को ऐसा लग रहा था जैसे उसके साथ गलत हो रहा था। पेडियाट्रिक डिपार्टमेंट की हेड डॉक्टर डॉक्टर मधु सामने आई और बोली, मिसेस ठाकुर, चिंता करने की कोई बात नहीं है, खांसना और बात करने में तकलीफ होना फीवर की वजह से सांस लेने में दिक्कत के कारण हो सकता है, और वैसे भी फीवर हमेशा बच्चों को वीक कर देता है और उनके पैरों को भी इफेक्ट करता है, जिससे उन्हें चलने में दिक्कत होती है।
वो ठाकुर फैमिली की वही बहू थी जिसका रुतबा पूरे जयपुर शहर में था और बहुत लोग डरते थे। इसके अलावा हॉस्पिटल के बहुत सारे मेडिकल इक्विपमेंट्स भी ठाकुर फैमिली की वजह से ही थे, तो इसीलिए वे चाहकर भी उस औरत को नाराज नहीं कर सकते थे। जैसा कि डॉक्टर मधु ने कहा, वो मुड़ी और कीर्ति की तरफ देखते हुए बोली, ये बच्चा पूरे टाइम तुम्हारी केयर में था ना, क्या मैंने तुमसे नहीं कहा था कि इसकी बहुत अच्छे से केयर करना? तुमने क्या किया, इसकी कंडीशन और भी खराब कैसे हो गई? बच्चे को बार बार फीवर हो रहा था। पेरेंट होने के नाते मिसेस ठाकुर का चिंता करना नॉर्मल था, लेकिन वो डॉक्टर्स और नर्सेस को बेन नहीं कर सकती थी। कई बीमारियों के उस स्टेज पर होने का अंदाजा लगाया जा रहा था जहां से वो डिटेक्ट नहीं की जा सकती थी। इस कहानी में आगे क्या होगा जानने के लिए सुनते रहिए पॉकेट एफएम। आप सुन रहे हैं एक लव स्टोरी मृद्विका के साथ, सिर्फ पॉकेट एफएम पर। अनफॉर्चुनेटली मिसेस ठाकुर एक जलते हुए पटाखे की तरह थी, उन्हें हर चीज समझानी पड़ती थी, नहीं तो वो जाने नहीं देती थी। एक मिनट पहले कीर्ति कहां गई थी, ये उसी की गलती थी कि उसने बच्चे का ध्यान नहीं रखा। कीर्ति की आंखें शॉक में खुली रह गई। डरते हुए उसने जवाब दिया, डॉक्टर मधु, मैंने इस बच्चे का अच्छे से ध्यान रखा था और जाने से एक मिनट पहले ही मैंने उसका टेम्परेचर चेक किया था और वो एकदम नॉर्मल था। अगर वो नॉर्मल होता तो उसे अभी फीवर कैसे हो गया? तुमने कब चेक किया था? किसने तुम्हें अलाउ किया कि तुम वर्किंग आवर्स में अपनी पोस्ट छोड़कर जा सकती हो? तुम जरा सा भी हार्ड वर्क हैंडल नहीं कर सकती? अपने काम को इनएक्टिवली होकर कैसे करना है ये सब जानते हैं। तुम्हें हर वक्त उसके पास रहने के लिए कहा गया था ना, डॉक्टर मधु ने गुस्से से पूछा। कीर्ति घबरा गई और उसका चेहरा उतर गया। वो अपनी रोती हुई आंखों से डिपार्टमेंट हेड को देख रही थी और बोली, मिसेस मधु, मैं पूरा टाइम रूम में ही थी, मैं बस जरा सी देर के लिए बाहर गई थी, क्योंकि कोई बहाना बनाने की कोशिश मत करो, डॉक्टर मधु ने उसे बीच में ही कट करते हुए बोला। उसके बाद वो मिसेस मधु की तरफ मुड़ी और उनसे माफी मांगते हुए बोली, मैं सच में बहुत शर्मिंदा हूँ मिसेस ठाकुर, ये मेरी गलती है कि मैंने अपने जूनियर्स को अच्छे से सिखाया नहीं। मुझे किसी इंटर्न को आपके बेटे की केयर करने के लिए नहीं कहना चाहिए था, मुझे अब से उसकी पर्सनली केयर करनी होगी। आप चिंता मत कीजिए, आपका बेटा जल्दी ठीक हो जाएगा। मिसेस ठाकुर अभी भी चिंता में ही दिख रही थी। ये इशू खत्म नहीं हुआ था, लेकिन उन्होंने उसी टाइम नोटिस किया कि उनका बेटा थोड़ा सा लड़खड़ा रहा था। उन्होंने तुरंत सबको साइड में रखकर चिंता से पूछा, डॉक्टर मधु, ये क्या हो रहा है? डॉक्टर मधु जल्दी से बच्चे के पास गई। उन्होंने बच्चे को चेक किया और एक्सप्लेन किया, मिसेस ठाकुर, कभी कभार बच्चों में फीवर उनकी मसल्स को भी इन्फेक्ट करता है और इससे मसल्स में झनझनाहट होने लगती है और इसे पेडियाट्रिक फीवर अटैक कहते हैं। अगर हम इसकी बॉडी का टेम्परेचर कम करते हैं तो ये ठीक हो जाना चाहिए। बोलते समय वो कीर्ति को गुस्से से घूर रही थी और उसे जाने के लिए इशारा कर रही थी। कीर्ति के पास वहां से चुपचाप चले जाने के अलावा कोई चॉइस नहीं थी। जब उसने ये देखा अनन्या बाहर खड़ी थी, तो उसने उसकी तरफ देखकर स्माइल की जैसे कि कुछ हुआ ही नहीं था, लेकिन उसकी स्माइल सैड थी। अनन्या कीर्ति के पास गई और अपना सर नीचे करके गिल्टी फील करते हुए बोली, आई एम सॉरी, मेरी वजह से तुम्हें डांट पड़ गई। अगर वो यहाँ पर कीर्ति से मिलने नहीं आती तो डॉक्टर मधु उसे नहीं डांटती और उसे ब्लेम भी नहीं करती। इसमें तुम्हारी कोई गलती नहीं है, अगर मैं रूम से बाहर नहीं भी आती तब भी वो इसी तरह से मुझे ब्लेम करती, कीर्ति ने सैड स्माइल देते हुए कहा। ये पहली बार नहीं हुआ था, लेकिन वो क्या कर सकती थी? किसने उसे कहा था कि वो एक इंटर्न बने? फाइनली जब डॉक्टर मधु वीआईपी रूम से बाहर आई तो उन्होंने देखा कीर्ति बाहर खड़ी थी, तो उन्होंने गुस्से से कहा, यहाँ पर इतनी कंफ्यूजन में क्यों खड़ी हो, जल्दी करो और निकल जाओ। कीर्ति ने उसकी डांट को सुना। वो सिर्फ एक इंटर्न थी और उसकी हिम्मत भी नहीं थी कि वो पीडियाट्रिक डिपार्टमेंट की हेड को नाराज करे। उसे लगा कि ऐसा उसके साथ इसलिए होता था क्योंकि वो हमेशा सुन लेती थी, लेकिन उसे एकदम सरप्राइज हुआ जब डॉक्टर मधु ने साथ में कहा, तुम्हें कल से यहाँ आने की कोई जरूरत नहीं है, मैं तुम्हारी यूनिवर्सिटी में बात करूंगी और उनसे पूछूंगी कि उनकी स्टूडेंट में इतना लो स्टैंडर्ड क्यों है। कीर्ति का चेहरा डर से सफेद हो गया, वो घबरा गई। उसे यकीन नहीं हुआ और उसने पूछा, डॉक्टर मधु, इसका क्या मतलब है? क्या उसे निकाला जा रहा था? डॉक्टर मधु ने उसकी तरफ देखा और पूछा, क्या तुम्हें नहीं पता इसका मतलब क्या था? क्या मुझे रिपीट करने की जरूरत है कि तुमने क्या गलत किया है? डॉक्टर मधु के पास कोई रास्ता नहीं था। मिसेस ठाकुर जैसे क्लाइंट्स के साथ डील करना थोड़ा मुश्किल था। अगर वो उनके अकॉर्डिंग रिस्पॉन्स नहीं करती तो ये मामला सीधा हॉस्पिटल के डायरेक्टर्स की अटेंशन में चला जाता और इस साल उसके प्रमोशन के बहुत ज्यादा चांसेस थे, इसलिए इस टाइम वो फायर नहीं हो सकती थी। कीर्ति ने अपनी मुट्ठी बंद कर ली और अपने आंसुओं को बहने से रोका। वो किस तरह से इरेस्पॉन्सिबल थी? उसने एक इंटर्न होने के नाते भी उस महीने बहुत ज्यादा हार्डवर्क किया था। वो रोज सुबह 7 बजे आ जाती थी और रात के 11-12 बजे तक घर नहीं जाती थी। इस वजह से उसकी नींद भी पूरी नहीं हो पाती थी और वो इतना बिजी रहती थी कि कुछ दिनों से उसके पास डिनर करने का भी टाइम नहीं था। वो उस बच्चे का ध्यान एक दिन पहले सुबह 7 बजे से रख रही थी। वो उसे उस बच्चे की कंडीशन के लिए कैसे ब्लेम कर सकती थी? कीर्ति वो सब एक्सेप्ट नहीं कर सकती थी, लेकिन उसने उसके लिए कुछ कहा भी नहीं। वो बस अपने साथ हुए अन्याय की वजह से रोई जा रही थी। डॉक्टर मधु ने जब उसे रोता हुआ देखा तो वो चुप हो गई। उसके बाद उसे हंसते हुए बोली, क्या तुम्हें लगता है कि तुम्हारे साथ गलत हुआ है? अनन्या ये सब होते हुए और नहीं देख सकती थी, इसलिए वो आगे आई और उसने एक्सप्लेन किया, डॉक्टर मधु, कीर्ति सच में पूरा टाइम उस बच्चे की केयर कर रही थी, वो बस जरा सी देर के लिए बाहर आई थी, उसे बाहर आए 10 मिनट भी नहीं हुए थे। डॉक्टर मधु ने अनन्या को बिना रिस्पेक्ट के देखा और अपनी आईब्रोज को ऊपर करते हुए उसे बोली, तुम कौन हो? ये वीआईपी फ्लोर है, तुम यहाँ किसने आने दिया? कीर्ति ने रोना बंद किया और एक्सप्लेन किया, डॉक्टर मधु, मैं माफी मांगती हूँ, ये मेरी क्लासमेट है, वो यहाँ मेरे लिए आई थी और मैं इसीलिए इससे बात करने के लिए बाहर गई थी। डॉक्टर मधु ने उसे रोकते हुए स्ट्रिक्टली कहा, अभी एक मिनट पहले तो तुम मान ही नहीं रही थी कि तुमसे लापरवाही हुई है, अब क्या तुम रंगे हाथों नहीं पकड़ी गई? अगर तुम अपनी फ्रेंड से बात करने नहीं जाती तो वापस आने पर बच्चे की ये कंडीशन नहीं होती। बिना किसी प्रोफेशनल एथिक्स के तुम एक अच्छी डॉक्टर कैसे बन सकती हो? कीर्ति फिर से रोने लगी। कौन है जिसमें प्रोफेशनल एथिक्स नहीं है? आप ही हैं जिसने बच्चे का गलत तरीके से इलाज किया और अब आप सारा ब्लेम इंटर्न पर लगा रहे हैं। क्या इस तरह की डॉक्टर के पास प्रोफेशनल एथिक्स हैं? अनन्या ने गुस्से से हंसते हुए कहा। वहां पर जो नर्सेज और पेशेंट्स इकट्ठा थे वो आर्ग्यूमेंट्स को सुन रहे थे और वे भी सब शॉक थे। गलत इलाज? क्या हुआ? डॉक्टर मधु कुछ सेकंड के लिए सरप्राइज रह गई और अनन्या की तरफ अविश्वास से देखते हुए बोली,
तुम्हें किसने कहा कि इसका गलत इलाज हुआ है? डिपार्टमेंट हेड बहुत गुस्सा हो गई और उनकी पूरी बॉडी कांपने लगी। सिक्योरिटी, सिक्योरिटी गार्ड्स कहां चले गए? जल्दी आओ और इसे यहां से बाहर निकालो। वो चिल्लाते हुए चलती जा रही थी। वीआईपी रूम की दीवारें साउंड प्रूफ नहीं थी, इसलिए मिसेस ठाकुर ने बाहर हो रही बातचीत को सुन लिया और ये सब सुनने के बाद उनकी आंखें शॉक में खुली रह गई। इसमें उनका बेटा भी इन्वॉल्व था, इसलिए उनको थोड़ा ज्यादा केयरफुल रहना था। इसलिए उन्होंने दरवाजा खोला और सैड होते हुए पूछा, क्या उसका इलाज गलत हुआ था? डॉक्टर मधु तुरंत ही मिसेस ठाकुर के पास गई और एक्सप्लेन करने लगी, मिसेस ठाकुर आप इसकी बकवास को मत सुनिए, इसे इग्नोर कर दीजिए। उन्होंने अपनी नजरें तीखे खंजर की तरह अनन्या पर फोकस की और फिर से पूछा, क्या तुमने यही कहा था कि इन्होंने गलत इलाज किया है? अनन्या डॉक्टर मधु के लिए चीजों को और मुश्किल नहीं करना चाहती थी। उस सब के बाद वो चाहती थी कि कीर्ति हॉस्पिटल में ही रहे, इसलिए उसने कुछ भी नहीं कहा। लेकिन डॉक्टर मधु को पता था कि वो पक्का ही कुछ नॉनसेंस बोलेगी। फाइनली वो कायरों की तरह अपने कदम पीछे ले रही थी। हंसी उड़ाते हुए डॉक्टर मधु बोली, मिसेस ठाकुर क्या आपको ये कोई डॉक्टर लगती है? मुझे नहीं पता कि ये पागल लड़की कहां से आई है। अनन्या जब 18 साल की थी तब उसे फिजिशियन की डिग्री मिली थी और बचपन से वो अपने दादाजी से आयुर्वेदिक दवाइयों के बारे में सीखती आई है। उसके बाद उसने मेरे साथ यूनिवर्सिटी में वेस्टर्न मेडिसिन की पढ़ाई की। कीर्ति ने उसका साइड लेते हुए धीरे से कहा। मिसेस ठाकुर कीर्ति को देख रही थी। उसके बाद उन्होंने अनन्या की तरफ देखा और कहा, मिस अनन्या क्या आप कहना चाह रही थी कि मेरे बेटे को नॉर्मल फीवर है जो फ्लू से ठीक नहीं हुआ है और उसे सांस लेने में इन्फेक्शन भी नहीं है? अनन्या बता सकती थी कि डॉक्टर मधु रुकने वाली नहीं थी। अगर वो कीर्ति की हेल्प करना चाहती तो उनके पास कोई चॉइस नहीं रह जाती, लेकिन उन्हें खुद जवाब देना पड़ता। वो खुद के लिए कोई परेशानी खड़ी करना नहीं चाहती थी, लेकिन वो किसी परेशानी से डरती भी नहीं थी। इसके बाद अनन्या ने अपना सिर हिलाया और कहा, मेरे एक्सपीरियंस के अकॉर्डिंग ये फ्लू की वजह से हुआ सिंपल फीवर नहीं है, लेकिन मुझे उसकी पल्स चेक करनी पड़ेगी ताकि मैं जान सकूं कि असली प्रॉब्लम क्या है। मिसेस ठाकुर को सिंपल पल्स चेक करने में कोई प्रॉब्लम नहीं थी, इसलिए उन्होंने तुरंत हां में सिर हिलाया। उसके बाद उन्होंने अपने बेटे की पल्स चेक करने के लिए अनन्या को जगह दी। मिसेस ठाकुर आप किसी भी बीमारी का लापरवाही से इलाज नहीं कर सकते, अगर आप उसे इनकरेक्टली ट्रीट करते हो तो वो एक प्रॉब्लम बन सकती है। डॉक्टर मधु किसी भी रैंडम पर्सन को अलाउ नहीं करती कि वो हॉस्पिटल के अंदर आकर उनके पेशेंट को चेक करे। ऐसा लग रहा था जैसे अनन्या खुद को कोई मैजिकल डॉक्टर समझती है। क्या बकवास है। अच्छा अगर आप मेरे बेटे को ठीक कर सकती हैं तो अभी जाइए और फिर ठीक कीजिए, मिसेस ठाकुर ने डॉक्टर मधु से फ्रस्ट्रेशन में कहा। इस कहानी में आगे क्या होगा जानने के लिए सुनते रहिए पॉकेट एफएम। रहे हैं एक लव स्टोरी मृतिका के साथ सिर्फ पॉकेट एफएम पर। डॉक्टर मधु बहुत गुस्सा थी और उनका खून खौल रहा था। कोई बीमारी एकदम से कैसे ठीक की जा सकती है? वो चैलेंज एक्सेप्ट करना चाहती थी, लेकिन वो कॉन्फिडेंट नहीं थी कि वो उस बच्चे को तुरंत ठीक कर सकती थी। इसलिए उन्होंने मिसेस ठाकुर को हैरानी से देखा और ये उम्मीद की कि वो किसी ऐसे वैसे इंसान से बेवकूफ नहीं बनेगी, और वो चुप भी नहीं रहना चाहती थी। लेकिन मिसेस ठाकुर डॉक्टर मधु को कोई अटेंशन नहीं दे रही थी और अनन्या को अपने बेटे की पल्स चेक करने दे रही थी। अनन्या पलंग के कोने पर बैठी और बच्चे का हाथ उठाकर प्यार से उसकी पल्स चेक करने लगी। जब छोटे बच्चे ने अपनी आंखें खोली और अनन्या को अपना हाथ पकड़े हुए देखा तो तुरंत उसने ब्लैंकेट के अंदर अपना मुंह छुपा लिया। एक पल बाद अनन्या ने बच्चे का हाथ छोड़ा और मिसेस ठाकुर से पूछा, क्या आपका बेटा लास्ट मंथ बारिश में भीगा था या वो किसी ठंडी जगह पर गया था? मिसेस ठाकुर ने हैरानी से अपना सिर हिलाया। ये अच्छा था उसने केवल पल्स चेक करके ये बता दिया था। हालांकि मिसेस ठाकुर ने यह भी सोचा था कि शायद उसे ये इन्फॉर्मेशन पल्स चेक करके नहीं बल्कि कीर्ति से मिली थी। अनन्या खड़ी हुई और मिसेस ठाकुर से बोली, ये अच्छा हुआ कि आपका बेटा इस बीमारी की पहली स्टेज पर है और वो दवाई की कुछ डोजेस लेने के बाद ही ठीक हो जाएगा। डॉक्टर मधु ने उसका मजाक उड़ाया और बीच में ही कट करते हुए बोली, क्या तुमने ये कहा था कि ये फीवर फ्लू की वजह से नहीं हुआ था? पीडियाट्रिक डिपार्टमेंट की हेड डॉक्टर बनने के लिए डॉक्टर मधु को एक मुश्किल सिलेक्शन प्रोसेस से गुजरना पड़ा था और बहुत ही सावधानी के बाद उसे ये जॉब मिली थी। उसकी स्किल्स उस बाहर से आई लड़की से खराब कैसे हो सकते थे? ऐसा नहीं है, अनन्या ने डॉक्टर मधु की तरफ देखते हुए कहा। ये बच्चा छोटा और कमजोर है, इसके पास अच्छे बैक्टीरियाज भी ज्यादा मात्रा में नहीं है और ये स्ट्रॉन्ग नहीं है, इसलिए इसकी बॉडी में बैड बैक्टीरियाज चले गए हैं। बैड बैक्टीरिया? मिसेस ठाकुर ने पूछा। बैड बैक्टीरियाज आयुर्वेदा में यूज होने वाला एक टर्म है। अंग्रेजी दवाइयों में इसे वायरसेस और बैक्टीरिया कहते हैं। बच्चे की इम्यूनिटी इतनी अच्छी नहीं है कि वो बाहर के बैड बैक्टीरिया को अंदर जाने से रोक सके। हम कह सकते हैं कि बच्चे का इम्यून सिस्टम कमजोर हो गया है जो इसे बाहर के वायरस और बैक्टीरिया से नहीं बचा पा रहा, इसलिए उसमें बार बार सिम्टम्स दिख रहे हैं। आपने केवल बच्चे के बुखार को नोटिस किया लेकिन आपने उसे डिटेल में पता नहीं किया और ये भी नहीं देखा कि उसके चेहरे के एक्सप्रेशंस में अबनॉर्मल चेंज है। जब वो बारिश में भीगा तो उसके शरीर की ये गर्मी उसकी हार्ट, लिवर और किडनी को इन्फेक्ट कर रही थी और इसे पीडियाट्रिक कॉलेरा हो गया। पीडियाट्रिक कॉलेरा? पीडियाट्रिक कॉलेरा में बच्चों के हाथ पैर डांस करते दिखाई देते हैं और उनकी आंखें और आईब्रोज फड़फड़ाती हैं, लेकिन आपके बेटे में इस तरह की फड़फड़ाहट कोई साइन नहीं दिखे। डॉक्टर मधु ने गुस्से में चिल्लाते हुए कहा। ऐसा नहीं था कि डॉक्टर मधु उसकी बीमारी को समझ नहीं पाई थी, लेकिन वो बहुत ज्यादा ओवर कॉन्फिडेंट थी। फीवर पहला सिम्टम था। कुछ ही दिनों में बच्चे की फड़फड़ाहट बढ़ जाती और ऐसा लगेगा कि वो डांस कर रहा था। बकवास करना बंद करो, तुम जैसी धोखेबाज लड़की क्या जानती है? डॉक्टर मधु ने गुस्से में कहा। उसने मिसेस ठाकुर की तरफ देखा और पूरी तरह से उसको समझाने की कोशिश की। मिसेस ठाकुर आयुर्वेदिक मेडिसिन बकवास होती है, वो लोग रोज घंटों बातें करते हैं बॉडी को ठीक करने के तरीकों के बारे में, लेकिन वो सब बूढ़े लोगों के लिए एक धोखा होता है। मिसेस ठाकुर आप अच्छी पढ़ी लिखी हैं, आप इसकी बेकार बातों पर भरोसा नहीं करेंगी, है ना? थोड़ी देर बाद वो बोली, अभी हाल ही में एक मदर और फादर अपने बच्चे को आयुर्वेदिक डॉक्टर के पास लेकर गए थे। आखिर में बच्चे की छोटी बीमारी उनके बताए ट्रीटमेंट के अकॉर्डिंग बड़ी बीमारी बन गई। इस घटना से बहुत हंगामा हो गया था। अगर आपको मेरी बात पर विश्वास नहीं है तो आप इसे ऑनलाइन चेक कर सकती हैं। भले ही ये बात सच हो लेकिन ये एक पर्टिकुलर पर्सन की वजह से हुआ, ना कि पूरी आयुर्वेदा मेडिसिन की वजह से। ऐसी कौन सी इंडस्ट्री है जिसमें कभी कुछ ऐसा वैसा नहीं हुआ? आयुर्वेदा मेडिसिन और वेस्टर्न मेडिसिन बहुत टाइम से साथ में काम करती हुई आ रही हैं और एक दूसरे को पूरा भी करती हैं। डिपार्टमेंट हेड होने के नाते क्या आपको लगता है कि आप इस तरह मनमाना कुछ भी कह सकती हैं? अनन्या ने हैरानी जताते हुए कहा। डॉक्टर मधु जोर से हंसने लगी और बोली, सच में ही तुम्हारी जुबान तेज है। अच्छा अगर तुम ग्रेट हो तो
तुम अभी से ठीक करो। अगर उसने उस धोखेबाज लड़की को सबक नहीं सिखाया तो इसके बाद वो हॉस्पिटल में कैसे रह सकती थी। अनन्या ने हंसते हुए कहा, मैं हॉस्पिटल में डॉक्टर नहीं हूँ और मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए जो किसी को हर्ट कर रहा हो। मैं बस ये प्रूव करना चाहती थी कि मेरी फ्रेंड काम करते टाइम इनएक्टिव नहीं थी और ये बच्चे को फीवर उसकी वजह से नहीं आया था। ये देखते हुए कि अनन्या ये नहीं करना चाहती, डॉक्टर मधु ने उसका मजाक बनाते हुए कहा, अगर तुम सही हो तो मैं पक्का ही कीर्ति को फायर नहीं करूंगी। अगर तुम्हें यकीन है तो मैं। अचानक अनन्या ने अपने शब्दों को वापस ले लिया। डाउट के साथ देखते हुए उसने अपना हाथ हिलाया और कहा, जाने दो, कौन जानता है कि आप इस इंसिडेंट के बाद भी मेरी फ्रेंड के लिए चीजों को मुश्किल करने के लिए दूसरा तरीका नहीं अपनाएंगे और उसे फायर नहीं करेंगे। आखिरकार आप ही डिपार्टमेंट हेड हैं, अगर आप किसी को निकालना चाहें तो ये तो आपके लिए बच्चों का खेल है। अगर मैंने सच में गलत इलाज किया है तो कीर्ति कहीं नहीं जाएगी बल्कि मैं जाऊंगी, डॉक्टर मधु ने कहा, इससे पहले कि वो महसूस करती कि कुछ सही नहीं हो रहा था। ओके, अनन्या ने तुरंत हाँ कह दिया। इससे पहले कि डॉक्टर मधु को फिर से बदलने का चांस मिले, हल्की सी मुस्कान के साथ उसने मिसेस ठाकुर को देखा और कहा, मिसेस ठाकुर, आपके बेटे की कंडीशन ज्यादा सीरियस नहीं है लेकिन उसका इलाज एक्यूपंचर के साथ होने की जरूरत है। मिसेस ठाकुर ये सब देख रही थी, उस लड़की ने मना नहीं किया था जबकि वो चाहती तो ऐसा कर सकती थी। इसके बजाय सच में वो बहुत कॉन्फिडेंट थी, उसने जानबूझकर अपनी फ्रेंड के लिए देर से हाँ कहा, इसलिए इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं थी कि कोई इतना कॉन्फिडेंस दिखाए, लेकिन फिर भी वो अभी तक कंफ्यूज थी और मन में सोच रही थी कि क्या आयुर्वेदिक डॉक्टर्स आमतौर पर बड़े नहीं होते, आखिरकार आयुर्वेदा मेडिसिन में बहुत एक्सपीरियंस की जरूरत होती है। इसलिए मिसेस ठाकुर उस लड़की को लेकर बहुत डाउटफुल थी। जब डॉक्टर मधु ने देखा मिसेस ठाकुर सोच रही थी, तब डॉक्टर मधु को यकीन था कि वो अनन्या को अपने बेटे का इलाज नहीं करने देंगी। वो बच्चा ठाकुर फैमिली का था, उसकी लाइफ नॉर्मल पर्सन के मुकाबले ज्यादा कीमती थी। मिसेस ठाकुर ऐसे किसी अनजान लड़की को वो भी बिना उसकी हिस्ट्री जाने इलाज करने कैसे दे सकती थी। जैसा कि एक्सपेक्टेड था, मिसेस ठाकुर सोच रही थी कि उन्हें किसी दूसरे डॉक्टर से भी कंसल्ट करना चाहिए था, लेकिन उन्होंने कुछ भी नहीं कहा। और उसी समय शानू ने अपनी मम्मी की स्लीव्स को अनकंफर्टेबली पकड़ा और सीधे से कहा, मम्मी बड़ी दीदी से ठीक होना है। अचानक आई आवाज कमजोर थी लेकिन उसने अनन्या और मिसेस ठाकुर के साथ सबको सरप्राइज कर दिया। शानू तुम क्या कह रहे हो, मिसेस ठाकुर ने परेशान होते हुए और चिंता जताते हुए अपनी आईब्रो ऊपर करके पूछा। उनके बेटे को अजनबी लोगों से बात करना अच्छा नहीं लगता था तो वो अचानक कैसे बोला कि वो किसी औरत से अपना ट्रीटमेंट कराना चाहता था जब तक कि वे एक दूसरे को नहीं जानते थे। ये सोचते हुए मिसेस ठाकुर सोच में पड़ गईं। उन्हें ये डर लगा, क्या अनन्या किसी बुरे मूजिब से वहां थी जो अपनी ट्रिक लगाकर जानबूझकर उनके बेटे के साथ क्लोज होना चाहती थी। मिसेस ठाकुर अनन्या और डॉक्टर मधु को हॉस्पिटल से बाहर भेजना चाहती थी ताकि हॉस्पिटल के डायरेक्टर इलाज के लिए अपनी कंफर्मेशन दे सके जिससे वो डिसाइड कर सके कि उसे आगे कैसे ट्रीटमेंट कराना था। लेकिन शानू के छोटे से हाथ फिर से फड़कने लगे। मिसेस ठाकुर ने परेशान होते हुए पूछा, ये दोबारा क्यों फड़क रहे हैं? अनन्या ने कीर्ति की तरफ देखा और पूछा, क्या तुम अपने साथ वो सिल्वर नीडल्स लाई हो जो मैंने तुम्हें दी थी? कीर्ति ने तुरंत अपना सिर हिलाया और एक्यूपंक्चर के बॉक्स को अपने पॉकेट से निकाला और बोली, हाँ हाँ मैं लाई हूँ, जब से तुमने मुझे दिया था तब से ही मैंने इन्हें अपने पॉकेट में रख रखा था। अनन्या ने वो बॉक्स उसे लिया और उसमें से छोटी सी नीडल निकाली। उसके बाद उसने मिसेस ठाकुर के सामने फोकस किया और उस एक्यूपंक्चर पॉइंट को ढूंढा जो आम में होता है। उसके बाद उसने बहुत प्यार से अपने हाथों को मूव किया और नीडल को धीरे धीरे आम में नीचे की तरफ करते हुए डाला। पूरे रूम में बहुत ज्यादा शांति थी, जैसे कि सभी अपनी सांसों को रोक कर वो सीन देख रहे थे। मिसेस ठाकुर बहुत घबरा रही थी, वो अनन्या के हाथ को ही देख रही थी। उन्हें डर लग रहा था एक गलत मूव उनके बेटे को चोट पहुंचा सकता था या घाव दे सकता था। जैसे ही नीडल नीचे की तरफ गई बच्चे की फड़फड़ाहट कम होने लगी। अब इसे फड़फड़ाहट नहीं होगी, मिसेस ठाकुर ने खुशी से पूछा। डॉक्टर मधु के एक्सप्रेशंस एकदम बदलने लगे और वो रोने का नाटक करने लगी जैसे कोई पानी की बाल्टी उसके सर पर बांध दी गई हो। वो शॉक तो थी ही साथ में सरप्राइज भी हो गई थी, उसके हाथ कांपने लगे। क्या उसने सच में बच्चे की कंडीशन को गलत बताया था? इस कहानी में आगे क्या होगा जानने के लिए सुनते रहिए पॉकेट एफएम। आप सुन रहे हैं एक लव स्टोरी मृद्विका के साथ सिर्फ पॉकेट एफएम पर। जब अनन्या ने एक्यूपंक्चर करना फिनिश किया बच्चे की सिचुएशन पहले से बहुत ज्यादा इंप्रूव हो गई थी। अनन्या ने मिसेस ठाकुर की तरफ देखा और कहा, मिसेस ठाकुर अब आपके बेटे को थोड़े टाइम के लिए तो फड़फड़ाहट नहीं होगी लेकिन उसकी बॉडी में ये अभी भी है, उसे रिकवर करने के लिए दवाइयां लेनी पड़ेंगी। मिसेस ठाकुर ने उस यंग लेडी की तरफ सरप्राइज से देखा, इतनी कम एज में उसके एक्यूपंक्चर स्किल्स इतने अच्छे कैसे हो सकते थे? एक्यूपंक्चर कोई सिंपल तरह का मेडिकल ट्रीटमेंट नहीं था, उसमें बहुत ज्यादा टेक्निकल स्किल्स की जरूरत होती थी। जो उसमें परफेक्ट नहीं होता वो एक्यूपंक्चर पॉइंट को सही से नहीं पता लगा पाता। शायद सच में ये यंग लेडी एक कोशिश के लायक थी। मिसेस ठाकुर का उसमें बढ़ता हुआ इंटरेस्ट देखकर डॉक्टर मधु परेशान हो गई, इसलिए उन्होंने खुद को शांत रखने के लिए फोर्स किया। जब वो अनन्या पर चिल्ला रही थी और पूछ रही थी, अब किसने लापरवाही से काम किया? अगर तुम उसे गलत तरीके से ट्रीट कर देती तो तुम इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी लेने के काबिल भी नहीं होती। लेकिन इससे पहले कि वो अपना सेंटेंस खत्म करती, मिसेस ठाकुर ने उन्हें गुस्से से घूरा और कहा, चुप रहो। उसके बाद वो मुड़ी और अनन्या से बोली, तुम बताओ और प्रिस्क्रिप्शन लिख दो। अनन्या ने स्माइल करते हुए अपना सिर हिलाया। उसके बाद उसने पेन और पेपर लिया और उस पर प्रिस्क्रिप्शन लिखा और लास्ट में अपना नाम भी लिखा। उसने प्रिस्क्रिप्शन मिसेस ठाकुर को दिया और कहा, 3 डोजेस के बाद हमें प्रिस्क्रिप्शन चेंज करना होगा। डॉक्टर मधु साइड में खड़ी थी और उसका चेहरा गुस्से से लाल हो गया था। वो पूरे डिपार्टमेंट की हेड थी फिर भी उसे एक धोखेबाज लड़की ने मानो थप्पड़ से मार दिया था। इसके बाद उसे कोई अथॉरिटी होल्ड करने का राइट कैसे था? वो ये सब अलाउ नहीं कर सकती थी। भले ही उसने उस बच्चे का इलाज गलत किया था लेकिन इसका ये मतलब तो बिल्कुल नहीं था कि अनन्या सही थी। इसलिए उसने मिसेस ठाकुर की तरफ देखा और कहा,
मिसेस ठाकुर, एक्यूपंक्चर फड़फड़ाहट को केवल टेंपरेरी रोक सकता है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि वो आपके बच्चे को ठीक कर सकता है। अगर आप आयुर्वेदा मेडिसिन में बिलीव करती हैं, तो हमारे पास हॉस्पिटल में बहुत अच्छे और एक्सपीरियंस डॉक्टर्स हैं। हम उन्हें कह सकते हैं कि वो आपके बेटे को चेक करें। ये प्रेस्क्रिप्शन भरोसे के लायक नहीं है। आखिरकार दवाइयां लापरवाही से नहीं ली जा सकती। मिसेस ठाकुर थोड़ा सा घबरा गई और कांपने लगी। अगर ठाकुर फैमिली किसी डॉक्टर से कंसल्ट करना चाहती थी तो वे किसी भी डॉक्टर को, जिसे वे चाहें, हायर कर सकते थे, फिर चाहे वो आयुर्वेदा मेडिसिन में स्पेशलाइज्ड हो या फिर वेस्टर्न मेडिसिन में। अनन्या बहुत यंग थी, भले ही उसके स्किल्स अच्छे थे, लेकिन वो किसी वेल नोन डॉक्टर से कंपैरिजन के लायक तो नहीं थी। मिसेस ठाकुर हेजिटेट करने लगी। इतने में हॉस्पिटल रूम का दरवाजा खुला और लगभग 60 साल की एज के एक डॉक्टर अंदर आए। उनके बाल थोड़े सफेद थे और उन्होंने गोल्ड रिम्ड ग्लासेस पहन रखे थे। अनन्या ने उन्हें मेडिकल वेबसाइट पर पहले भी देखा था। वो फेमस न्यूरोलॉजिस्ट और इस हॉस्पिटल के डायरेक्टर भी थे। डायरेक्टर अवस्थी, घबराई हुई मिसेस ठाकुर ने उनकी प्रेजेंस को एक्नॉलेज किया। डायरेक्टर अवस्थी ने भी मिसेस ठाकुर को हेलो किया और उसके बाद उन्होंने डॉक्टर मधु से पूछा, क्या चल रहा है? डॉक्टर मधु पहले तो कंप्लेन करना चाहती थी, लेकिन मिसेस ठाकुर ने उन्हें घूरा तो वो कुछ नहीं बोली। मिसेस ठाकुर ने पूरी सिचुएशन डायरेक्टर अवस्थी को बताई। आखिर में उन्होंने फ्रस्ट्रेट होकर कहा, मुझे यकीन नहीं होता कि ये गलत इलाज करने वाली डॉक्टर इस डिपार्टमेंट की हेड है। आज के बाद इस हॉस्पिटल में अपने बच्चों को लेकर आने की हिम्मत कौन करेगा? डायरेक्टर अवस्थी हैरान थे। उन्होंने कभी एक्सपेक्ट नहीं किया था कि डॉक्टर मधु इतनी लापरवाह हो सकती थी। वो उस यंग वुमन की तरफ क्यूरियसली देख रहे थे जिसके बारे में मिसेस ठाकुर बोल रही थी। और फिर उन्होंने अपने ग्लासेस को एडजस्ट किया। उन्हें महसूस हुआ कि वो कुछ जानी पहचानी थी। अनन्या सच में डायरेक्टर अवस्थी की बहुत रिस्पेक्ट करती थी, इसलिए उसने हाथ बढ़ाते हुए कहा, हेलो डॉक्टर अवस्थी, मैं अनन्या हूँ। मैंने इस साल मेडिकल यूनिवर्सिटी से ग्रेजुएशन किया है। मुझे पता है तुम कौन हो। तुम इस साल मेडिकल यूनिवर्सिटी की टॉप रैंक स्टूडेंट्स में से एक हो। हमने तुम्हें हमारे हॉस्पिटल में इंटर्नशिप के लिए इन्वाइट किया था, लेकिन तुमने कहा था कि तुम्हें घर जाना था और अपना फैमिली बिजनेस संभालना था। डायरेक्टर अवस्थी पोलाइटली नहीं बोल रहे थे। हॉस्पिटल हर साल मेडिकल यूनिवर्सिटी से बेस्ट स्टूडेंट्स को सर्च करता था और डायरेक्टर्स उनकी प्रोफाइल को पढ़ते थे। वे फिर से वहीं आ गए। अनन्या ने उन्हें निराश किया था। उन्होंने याद करते हुए सरप्राइज दिखाया कि क्यों वो अपना फैमिली बिजनेस संभालना चाहती थी, जबकि उसके इतने अच्छे एकेडमिक रिजल्ट्स आए थे। अगर अपने फैमिली बिजनेस को ही संभालना चाहती थी तो फिर उसने मेडिकल की पढ़ाई क्यों की? वो सब याद करके उन्हें लगा कि वो गलत था। अनन्या ने माफी मांगते हुए स्माइल किया और कहा, मेरे दादाजी के पास एक मेडिकल क्लिनिक है और उन्हें डॉक्टर की जरूरत थी। डायरेक्टर अवस्थी ने मन में सोचा, अच्छा, इसलिए इसका फैमिली बिजनेस भी मेडिकल फील्ड में ही है और ये पेशेंट्स का इलाज करके उनकी जान बचाना चाहती थी। उसने ये सब बहुत अच्छे से किया है। और ये बहुत मुश्किल है किसी भी यंग पर्सन के लिए कि वो बड़ा सा फैंसी हॉस्पिटल छोड़कर छोटे से क्लिनिक में काम करे। ये सब सोचने के बाद डायरेक्टर अवस्थी पर अनन्या का बहुत अच्छा इंप्रेशन पड़ा और उन्होंने उसके टैलेंट की तारीफ करते हुए क्वेश्चंस पूछना बंद किया। आसपास खड़े सभी डॉक्टर्स और नर्सेज अनन्या और डायरेक्टर की बातचीत सुनकर शॉक थे। अगर वो लोग ये करते तो वो बहुत नर्वस होते। अनन्या ने सभी की शॉकिंग नजरों को पहचान लिया, इसलिए वो जल्दी से शानू पर फोकस करने लगी। वो स्माइल करते हुए मिसेस ठाकुर से बोली, आप डायरेक्टर अवस्थी से शानू को देखने के लिए कहिए। पीडियाट्रिक्स मेडिकल फील्ड का एक बहुत मुश्किल फील्ड है। इस फील्ड में गलत इलाज के चांसेस ज्यादा होते हैं, क्योंकि एक बच्चे से सारी इन्फॉर्मेशन निकलवाना मुश्किल होता है। हम जनरली पेरेंट्स से पूछते हैं, लेकिन पेरेंट्स यूजुअली अजम्पशंस पर डिपेंड होते हैं। इसलिए डॉक्टर्स में एक कहावत भी है, वे एक औरत के मुकाबले 10 आदमियों का इलाज करना चाहेंगे और एक बच्चे के मुकाबले एक औरत का इलाज करना चाहेंगे। मैं भी सच में मेरी एक्यूरेसी को लेकर थोड़ा सा वरिड हूँ। डायरेक्टर अवस्थी के यहाँ होने पर हम सब 100% श्योर हो सकते हैं। डायरेक्टर अवस्थी ने अनन्या को देखा और स्माइल किया। वो यंग वुमन गलत नहीं थी। डॉक्टर मधु ने लापरवाही की थी क्योंकि वो ओवर कॉन्फिडेंट थी और अनन्या ने उसे सही पॉइंट आउट किया था, लेकिन उसने कोई शो ऑफ नहीं किया। वो शांत रही, ना तो उसने प्राइड दिखाया और ना ही खुद की तारीफ की। वो एक अच्छी ट्रस्टवर्दी लड़की थी। उसने सारा क्रेडिट हॉस्पिटल के डायरेक्टर को देकर हॉस्पिटल का मान रख लिया था। कितनी शर्म की बात थी कि वो वहां काम नहीं करती थी। अगर वो उस हॉस्पिटल में उनकी स्टूडेंट बनती तो कितना अच्छा होता। डायरेक्टर अवस्थी ने बच्चे को चेक किया और वहीं कंफर्म भी कर दिया कि ये पीडियाट्रिक कॉलेरा ही था। उन्होंने अनन्या के प्रेस्क्रिप्शन को भी देखा और मिसेस ठाकुर से कहा कि वो बिना किसी परेशानी के वो दवाई खरीद लें। डायरेक्टर आयुर्वेदा मेडिसिन में स्पेशलाइज्ड नहीं थे, लेकिन उन्हें बेसिक दवाइयों की नॉलेज थी। मिसेस ठाकुर ने डायरेक्टर अवस्थी को ट्रस्ट करते हुए कहा, अगर आपको कोई कंप्लेन नहीं है तो मैं अब राहत की सांस ले सकती हूं। क्योंकि पेशेंट को रेस्ट की जरूरत थी, सब लोग बाहर चले गए। अनन्या ने जाने से पहले मिसेस ठाकुर से कहा, शानू को कल एक और एक्यूपंक्चर ट्रीटमेंट देने की जरूरत है। आप इस हॉस्पिटल में किसी को देख लीजिए जिसको। उसके पूरा बोलने से पहले ही मिसेस ठाकुर ने रोकते हुए कहा, मैं किसी और को हायर नहीं करूंगी, मुझे तुम ही चाहिए हो। बिना कोई डिले किए अनन्या ने जल्दी से अपना फोन नंबर और एड्रेस मिसेस ठाकुर को दे दिया। पहले तो अनन्या जीवन क्लिनिक का एड्रेस देना चाहती थी, लेकिन फिर उसे ध्यान आया कि वहां रितिका होगी, इसलिए उसने डिसाइड किया कि वो मिसेस ठाकुर को अपने घर का एड्रेस देगी। ऐसा लग रहा था कि अब उसे जीवन क्लिनिक को जल्दी से जल्दी रिकवर करना होगा। वो अपने पेशेंट्स को इस तरह घर नहीं बुला सकती थी। जैसे ही अनन्या हॉस्पिटल रूम से बाहर निकली, कीर्ति तुरंत उसके पीछे भागी। उसने अनन्या को हग कर लिया और छोटा सा किस करते हुए बोली, माय डियर अनन्या, थैंक यू सो मच। अनन्या ने उसे देखा और जवाब देते हुए बोली, मुझे भी तुम्हें सॉरी कहना चाहिए। अगर मैं यहाँ तुमसे हेल्प मांगे नहीं आती तो ये चीजें इस तरह नहीं होती। मुझे उम्मीद है कि अब से तुम्हारे साथ कुछ बुरा नहीं होगा। मैं पूरी तरह उनके खिलाफ हो जाऊंगी अगर उन्होंने मेरे साथ फिर कुछ गलत किया तो। कीर्ति ने बताया कि 15 दिन बाद उसका डिपार्टमेंट चेंज होने वाला था और उसे लगता था कि इन 15 दिनों में अगर वो डॉक्टर मधु का कहना मानेगी तो कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। ओह चलो ठीक है, तुम बताओ तुम पहले मुझसे क्या चेक करवाने वाली थी। अनन्या ने अपने हैंडबैग में से वही ब्राउन पाउडर निकाला और अपनी फ्रेंड को देते हुए बोली, ये है,
क्या तुम जितना जल्दी हो सके इसके रिजल्ट दे सकती हो? ठीक है, इस कहानी में आगे क्या होगा जानने के लिए सुनते रहिए पॉकेट एफएम।